हरे कृष्णा बड़ी प्रसन्नता है मुझे कि आप सबके बीच में रामानंद गोपाल जी के चरणों में पुनः यहाँ पे आ पाया हूँ मैं। और मैं कल ही शिक्षाश्रमों से बात कर रहा था तो बता रहा था कि उनका जो बुधवार का कार्यक्रम है ये पूरे विश्व में अद्वितीय है। पूरे विश्व में मैं लगभग हर जगह पर यहाँ पे मैं हमारे संस्था के बड़े मंदिर हैं वहाँ पर जा चुका हूँ और किसी हफ्ते के दिन किसी कार्यक्रम के लिए इतने लोग आना, रविवार के कार्यक्रम को शनिवार के कार्यक्रम को लोग आते हैं पर इतने सब, ये आप सबका उत्साह है, ये उन सब उनकी पोटेंसी उनकी शक्ति है और अंत में ये अनंत गोपाल जी की कृपा है। तो इस अमृत का गीता अमृत जो है इसके कुछ बूंद चखने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो आज मैं भगवद्गीता के आखिरी जो श्लोक है उसके आधार पर उसमें चार चीज़ें महत्वपूर्ण जो हम सीख सकते हैं, जो उसमें महत्वपूर्ण छुपी हुई है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आप में से कुछ लोगों को श्लोक पता होगा, दोहरा सकते हैं मेरे, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो ये जो श्लोक है ये कौन किसको बोल रहा है? हाँ, ये संजय जो है वह धृतराष्ट्र को बोल रहा है। तो वास्तव में विश्वनाथ शंकर ठाकुर बताते हैं कि जो भगवद गीता है वह वास्तव में उसमें भगवान ने 750 श्लोक नहीं बोले हैं पर क्योंकि भगवान का सानिध्य है उसमें, सब भगवान के वचनों के पास ही बाकी सब वचन है, इसीलिए बाकी जो संजय बोलते हैं, धृतराष्ट्र बोलते हैं या अर्जुन बोलते हैं उसको भी भगवद्गीता का अंग बताया गया है। जैसे कोई शहर होता है और उसके शहर के सिर्फ बाजू में कुछ होता है तो उसको भी उसी शहर का इलाका बोला जाता है यद्यपि वो टेक्निकली उस शहर में नहीं है। तो यह जो श्लोक है यह भगवान ने अपने अंतिम वचन और 72वें श्लोक में बोल दिए है। तो यहाँ पे जो गीता का अंतिम श्लोक है और यहाँ पे संजय अपना निष्कर्ष बता रहे हैं। तो अभी सबसे पहले इसमें हम देखेंगे ये अर्थ क्या है, यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ भगवान कृष्ण है जो कि योगेश्वर है, यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहाँ पार्थ अर्जुन है जिन्होंने अपना धनुष उठा लिया है, तत्र श्री विजयो भूतिर, वहीं पे ऐश्वर्य होगा, वहीं पे शक्ति विजय होगा, वहीं पे शक्ति होगी, वहीं पे नीति होगी, तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा, यही सत्य है या मतिर मम, यह मेरा मत है। तभी इसमें मैं चार शब्दों पे जोर दूंगा कि योगेश्वर, फिर धनुर्धर, फिर मतिर मम और फिर यत्र, यत्र को अंत में हम देखते हैं। तो अभी देखते हैं वास्तव में भगवद गीता में जो अलग अलग शब्द इस्तेमाल हुए गए हैं उन सब का विशेष उनके संदर्भ में महत्व होता है। संदर्भ में महत्व क्या होता है कि अभी मान लीजिए हम किसी से बात कर रहे हैं तो अलग अलग लोगों से हम अलग अलग, अभी व्यक्ति से इतनी नाम है तो हम उसके नाम से बात कर सकते हैं, उनका जो पहला नाम होता है उससे बात कर सकते हैं, उसका दूसरा नाम होता है उससे बात कर सकते हैं, सरनेम से बात कर सकते हैं। तो पहले नाम से अगर उनको उल्लेख कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि थोड़ा इंटीमेट स्नेह का संबंध है, अगर उनके दूसरे नाम से बात कर रहे हैं तो फिर उसमें थोड़ा गंभीरता आदर और उसमें थोड़ा फॉर्मेलिटी है उस संबंध में। या अगर हम किसी को उनके जो डेजिग्नेशन उनके पदवी से बात कर रहे हैं तो फिर उसका भी कुछ अर्थ हो सकता है। तो अगर किसी का कोई इंटरव्यू ले रहे हैं तो अगर उनको बोलते हैं कि मिस्टर सो एंड सो या उनको बोलते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट
तो अभी उसका मतलब क्या है, जो जिस नाम से उल्लेख करते हैं वह हम किस भाव में आदान प्रदान कर रहे हैं वह संबोधित कर, बस उसके ओर संकेत करता है वो। तो अभी यहाँ पे योगेश्वर जो शब्द है यह इसके पहले भी कुछ श्लोक पहले संजय ने इस्तेमाल किया, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्य अद्भुत हरे विस्मयो मे महान राजन ऋष्यामि च पुनः पुनः राजन संस्मृत्य संस्मृत्य। तो जो बता रहे हैं इसके पहले जो श्लोक है 74वें श्लोक से शुरू होता है संजय की बात, और वहाँ पे कहते हैं इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिम श्रौषम अद्भुतम रोमहर्षम व्यास प्रसादाश्रुत्वान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। तो अलग अलग नाम उल्लेखित किया उन्होंने, वासुदेव बोला है ऐसे वो नाम बोले, पर यहाँ पे योगेश्वर। अभी योगेश्वर का अर्थ क्या है, किसी को पता है योगेश्वर का अर्थ? योगियों का ईश्वर। यस बराबर, थैंक यू। तो योग ईश, जो अभी योगी क्या होती है, योगी की विशेषता क्या होती है, वो एक आसन में बैठते हैं वो उनकी विशेषता है, पर इस संदर्भ में कि योगी जो होते हैं वो दिलचस्प कार्य कर सकते हैं, उनके पास कुछ सिद्धियाँ होती है, कुछ चमत्कारी कार्य कर सकते हैं। तो भगवद्गीता में इसके पहले योगेश्वर शब्द, कई नाम भगवान को संबोधित किया गया पर योगेश्वर शब्द जो है यह एक ही संदर्भ में आया इसके पहले, और वो है 11वें अध्याय में। भगवद्गीता का 11वें अध्याय किसके बारे में है, किसको पता है? हाँ, विश्वरूप, जो विशाल जो रूप दिखाते हैं भगवान, उसके बारे में जब संजय वर्णन कर रहे हैं तभी दर्शयामास रूपाय, जब वो बताते हैं कि योगेश्वर भगवान ने अपना रूप दर्शन करवाया, तो यहाँ पे भगवान ने क्या चमत्कार किया था कि अपना विश्वव्यापी रूप दर्शा दिया था। अभी ये जो है विश्वव्यापी रूप का दर्शन देना, वह इसके पहले भी कुछ ही समय पहले भगवान ने एक और बार किया था। कब किया था? हाँ, जब शांति दूत के रूप में आए थे, और तभी दुर्योधन ने उनको उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया था, तभी भगवान ने अपना विश्वरूप दिखा दिया था। और तभी एक और महत्वपूर्ण की बात है कि वो विश्वरूप इतना तेजमय था, अदृश्य, वो ऐसे बताते हैं कि कोई देख ही नहीं पा रहा था उस विश्वरूप को, तो जो भी देखे थे वो तो या तो एक तरह से अंधे हो गए कुछ समय के लिए, हतप्रभ के बेहोश हो गए। पर उस समय तो विश्वरूप का ऐसा प्रभाव था कि जो देख सकते थे वो उनका देखना छूट गया, वो देख नहीं पाए। पर विश्वरूप का एक और ऐसा आशीर्वाद हुआ कि जो देख नहीं सकते थे वो देख पाया। कौन था वो? धृतराष्ट्र। तभी धृतराष्ट्र, जब धृतराष्ट्र संजय से पूछा तभी क्या हो रहा है ये, क्योंकि उसको अचानक तूफान आंधी का आवाज आने लग गया, जो दौड़ते हुए दुर्योधन ने कहा था कि जैसे कोई उसको दुर्योधन आवाज किया गिरफ्तार करो उसको, चिल्लाया था, सब दौड़ते हुए आ गए थे और अचानक रुक गए, गिर गए। तो एक भक्त है, उनकी आंखें नहीं है, तो वो मुझे बता रहे थे कि उनके लिए जो जीवन होता है वो कैसे है कि ऐसा कोई मूवी चल रहा है और वो मूवी का अनुभव वो सिर्फ कमेंट्री से कर सकते हैं, जो कुछ बोल रहा है उससे वो कर सकते हैं अनुभव। तो अभी क्या है, संजय को धृतराष्ट्र कुछ दिख ही नहीं रहा था। मान लीजिए हम टीवी देख रहे हैं, हमारे घर में कोई टीवी मूवी देख रहा है और हम कहीं काम कर रहे हैं, तो हमको कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो अभी अचानक कुछ अजीब आवाज़ सुनाई दे, क्या हो रहा है? तो वैसे ही धृतराष्ट्र बोले क्या हुआ, संजय ने कहा, कहते हैं कि अभी वो आप विश्व रूप दिखाया उसने, कृष्ण भगवान ने विष्णु रूप दिखाया। तो तभी धृतराष्ट्र निवेदन करता है कि कृपया मुझे भी विश्व रूप दिखाइए, मैं कभी कुछ देख नहीं पाया, कृपया मुझे आपका विश्व रूप दिखाइए। तो अभी जब भगवान ने तभी अपनी कृपा से धृतराष्ट्र को आंखें दे दी, तो यहाँ पे वास्तव में धृतराष्ट्र ने भगवान के योगेश्वर होने की शक्ति दो पद्धतियों से देखी।
सबसे पहले जो उनको कभी आंखें नहीं मिली थी उनको आंखें मिल गई. अभी अगर किसी को कुछ शरीर में कमी है, आंख नहीं काम करता है, कान नहीं काम करता है, तो वो अपने पूरा प्रयास करेंगे, कुछ ऑपरेशन करें, कुछ दवाई लें, किसी न किसी पद्धति से वो उसको काम कराने को लगा दें. तो अभी धृतराष्ट्र तो राजा था, तो अभी उनके पास राज्य की सारा ईश्वर था, संपत्ति था, तो पूरा प्रयास किया हुआ उन्होंने, पर कोई भी उनकी आंखें उनको वापस नहीं दे पाया था. पर यहाँ पे भगवान ने उनको आंखें दे दी, सिर्फ बोला, निवेदन किया, भगवान ने आंखें दे दी. तो यही एक बहुत ही अलौकिक चमत्कार है. तो तभी धृतराष्ट्र ने ये अनुभव किया कि ये भगवान के पास ये शक्ति है, योगेश्वर है, ये अपनी आंखें दे सकते हैं मुझे. और फिर न केवल आंखें दी, पर उसके बाद कुछ देखने को भी अद्भुत दिया. अदृष्ट पूर्वम ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा, भगवान बाद में भगवत में अर्जुन से कहते हैं, और अर्जुन ये कहते हैं कि ये जो रूप है ये बहुत कम लोगों को देखने का भाग्य मिलता है. तो वो जो रूप जो बहुत कम लोग देख सकते हैं, उनको देखने का मौका भगवान ने दिया था. राम गोपाल भगवान की जय. तो देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः, जो देव भी ऐसे रूप देखने की इच्छा करते हैं, वो धृतराष्ट्र को दिखा दिया. तो मतलब क्या कि देखने की शक्ति और देखने की चीज दोनों भगवान ने अपनी योगेश्वर की क्षमता से उनको प्रदान कर दिया. तो यहाँ तो वही योगेश्वर शब्द संजय इस्तेमाल करते हैं जब 11वें अध्याय में बताते हैं कि भगवान अपना विश्वरूप दर्शा रहे हैं. तो संजय की इच्छा क्या है कि वो इसके द्वारा उनको याद दिलाए धृतराष्ट्र को कि ये जो भगवान है उनकी शक्ति अप्रतिम है, उनकी शक्ति अद्वितीय है. तो धृतराष्ट्र दुर्योधन ने अपने सैनिकों के साथ भगवान को गिरफ्तार करने का प्रयास किया था और यशस्वी नहीं हुआ था. वो योगेश्वर जो है उनकी ऐसी शक्ति है, उनके खिलाफ आप कैसे जा सकते हो. तो वही योगेश्वर उन्होंने उस समय विश्वरूप दिखाया था, वही योगेश्वर ने अभी इस भगवद्गीता के वर्णन में भी विश्वरूप दिखाया है, और वही योगेश्वर यहाँ पे है. तो इस तरह से क्या कर रहे हैं वो कि धृतराष्ट्र के जो थोड़ी बुद्धि है या विवेक है उसको जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं. धृतराष्ट्र जो था अभी, तभी भी भगवान ने भी अपना विश्वरूप धृतराष्ट्र को दिखाना क्यों दिखाया, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि जो युद्ध है वो टल जाए. अभी धृतराष्ट्र राजा थे, पर धृतराष्ट्र दुर्योधन से बड़ा आसक्त था, इसलिए दुर्योधन के किसी बात के खिलाफ जाने को तैयार नहीं था. पर यहाँ पे भगवान जब वो शांतिदूत के रूप में गए तो हर तरह से उन्होंने प्रयत्न किया कि युद्ध को टाल सके, हर तरह से. तो उन्होंने पुरसाम दाम दंड भेद इस्तेमाल कर दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया. पहले तो वो धृतराष्ट्र से बात करेंगे, धृतराष्ट्र राजा थे, पर धृतराष्ट्र ने कुछ थोड़ी सी बातें सुनी और आप जो कहते हैं वो सब कुछ सही है, पर मैं क्या करूँ, मेरा ये पुत्र है मेरी बात नहीं सुनता है, तो कृपया आप उनसे बात कीजिए. और फिर भगवान ने उसे कहा कि 5 गांव तो दे दो आप, वो भी सुनने को तैयार नहीं था. तो यहाँ पे अभी भगवान क्या करना चाह रहे थे, धृतराष्ट्र की आसक्ति दुर्योधन के प्रति ज़रूर है, तो एक तो है वो उसको दुखी नहीं देख सकती, पर यहाँ पे अपना विश्वरूप दिखाकर बता रहे थे कि ये इसके शक्ति के खिलाफ तुम कैसे जा सकते हो, इसके खिलाफ तुम कैसे जी सकते हो. तो भले ही तुम दुर्योधन से आसक्त हो, तो उस आसक्ति के कारण उसके जीवित रहने की परवाह कर दो, उसके आसक्ति के कारण उसके जीवित रहने की परवाह करके तुम उसको रोक दो. तो ऐसे नहीं उनको ये कम से मतलब आसक्ति तो छूट नहीं सकती है, पर कम से कम आसक्ति के कारण गलत मार्ग पर मत जाओ, तो वह उद्देश्य था. तो कैसे होता है कि किसी व्यक्ति को अगर किसी सही मार्ग पर लगाना है तो उसके लिए अलग अलग पद्धतियाँ इस्तेमाल करनी पड़ती है. तो कभी कभी सीधा हम उनको समझा देंगे और मान जाते हैं, पर ऐसे बहुत कम बार होता है. तो अलग अलग तरह से उनको बताना पड़ता है.
और वही दक्षता है। चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर राजा को राजा को विश्व में जीतना है तो तलवार के चापल्य से जिह्वा का चापल्य जरूरी है, कि तलवार से वो अकेला युद्ध कर सकता है पर जिह्वा से अपने सैनिकों को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो भगवान यहाँ पे अपने वचनों से अपने कार्यों से दिखा रहे हैं कि देखो ये शक्ति है, इसके खिलाफ दुर्योधन कैसे जाकर जीवित रह सकता है। और अभी भी वही याद धृतराष्ट्र को संजय दिला रहे योगेश्वर है, वो योगेश्वर जिन्होंने विश्वरूप दर्शाया था पहले, उन्होंने अभी भी विश्वरूप दर्शाया है और उनके खिलाफ कैसे जा सकते हो। तो इसके कारण योगेश्वर शब्द का महत्व ये है कि जो भगवान ने चमत्कारिक रूप दिखाया था पहले, वही भगवान अभी वापस अर्जुन के साथ है और वही अपनी चमत्कारिक शक्ति दिखाएगी। और कई बार भगवान ने अपनी चमत्कारिक शक्ति दिखाई, जैसे जब वे अर्जुन को जयदत्त का वध करने में मदद कर रहे थे तो अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा उन्होंने सूरज को ढक दिया। योगेश्वर भगवान है। तो इस तरह से योगेश्वर भगवान की जो महिमा है उसको दर्शाने के लिए योगेश्वर शब्द का महत्व है यहाँ पे। तो जब हम भी हमारे जीवन में कुछ कार्य करना चाहते हैं तो कभी कभी ऐसे लग सकता है कि अगर हमें कुछ भगवान की सेवा करनी है, कुछ समस्या आ गई हमारे पास, भाई कैसे इसका सामना हो पाएगा, कैसे कैसे मैं छूट पाऊंगा। तो हमें हमारे पद्धति से प्रयास करते रहना है और भगवान की जो शक्ति है वो हमसे काफ़ी बड़ी है और भगवान कैसे कार्य कर सकते हैं इसकी हम पहले कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकते। भगवान अपने अलौकिक पद्धति से कार्य कर सकते हैं। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए अकेले तो तभी भी क्या कहते हैं, वही मार्किने भागवत धर्म जो गीत है उसमें भी वो भगवान कहते आप योगेश्वर हो और आप चमत्कार कर सकते हो। तो मेरे पास ये वचन नहीं है, मेरे पास ये क्षमता नहीं है कि लोगों को मैं समझा सकूं, पर आपके पास वो क्षमता है। तो भक्त जो होते हैं क्या होता है, कभी हम यहाँ पे हैं, हमारे जीवन में समस्या यहाँ पे है तो हम देखते हैं कि मैं इतना छोटा हूँ या समस्या इतनी बड़ी है। अगर हमको लगता है समस्या छोटी है मैं बड़ा हूँ तो हमको हौसला आ जाता है, मैं कुछ भी कर लूँगा। पर जब समस्या बड़ी लगने लगती है तो क्या होता है, हमें कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे सामना कर पाऊंगा। पर हम इतने हैं, समस्या हमसे बहुत बड़ी है, पर ये समस्या से बड़े भगवान हैं। तो जब हम समस्या को देखेंगे तो हमारा हौसला चला जाएगा, पर ये समस्या के परे भगवान को देखेंगे, उनकी ओर दृष्टि रखेंगे तो फिर क्या है, वो योगेश्वर है। वो किस पद्धति से किस समस्या का हल कर सकते हैं वह हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। इसीलिए योगेश्वर शब्द ये बताया कि भगवान चमत्कारी कार्य करते हैं। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए किस तरह से लोग उनसे मिले, किस तरह से लोग भक्त बने, यह एक चमत्कारी कथा है। और जब प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में जा रहे थे तो एक बार रास्ते पे चल रहे थे वो, क्योंकि क्या उस समय प्रभुपाद जी को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उनके प्रोग्राम के बारे में कुछ पता नहीं, कुछ भी पैसे वगैरह नहीं थे, तो वो क्या करते थे न्यूयॉर्क के शहरों पे चलते रहते थे और उनको देखते थे लोगों ने कौन है अजीब व्यक्ति है। तो ऐसे ही वो चल रहे थे एक बार और दूसरी ओर से एक व्यक्ति जो भारत में गए थे ढूंढने के लिए किसी गुरु को, उनको मिला ही नहीं था गुरु, वापस आ गए थे, वो हैग्रीव प्रभु थे, हॉवर्ड व्हीलर थे तभी। तो वो तभी कुछ तभी अमेरिका में फैशन था ड्रग्स लेने का और सोचते कि ड्रग्स के द्वारा हम आध्यात्मिक प्रगति करेंगे। तो फिर वो प्रभुपाद जी रस्ते से इस साइड में चल रहे थे तो वो इस साइड से दूसरे साइड से आ रहे थे और देखा उस व्यक्ति ने हॉवर्ड कि स्वामी यहाँ पे क्या कर रहे, अमेरिका के शहरों में स्वामी कैसे आ गए। फिर तब एक गाड़ी बीच में आ गई, तो क्या मैंने कहा ड्रग्स ले लिया है क्या पहले से, तो लिया नहीं, कुछ ऐसी दृष्टि कैसे हो रही है। तो फिर गाड़ी चली गई और वहाँ पर उन्होंने वापस, अभी तक स्वामी वहाँ पे है, तो वापस एक बड़ी गाड़ी आ गई, वहाँ पर देखा ना स्वामी ना केवल वहाँ पे पर रुक के उनकी ओर देख रहे। फिर वो दौड़ते हुए चले गए स्वामी मेरे स्वामी से और कहा, और जब वो प्रभुपाद जी के सामने गए तो तभी उनको लगा कि प्रभुपाद जी ऐसी शांति उनसे बाहर आ रही थी। यद्यपि वो न्यूयॉर्क के शहरों पर एक छोटे से मानव के रूप में खड़े थे पर ऐसा लग रहा था कि वो कहीं और ही है। वो उनसे इतनी शांति इतनी दिव्यता आ रही थी कि तुरंत आकर्षित हो गए। तो अभी प्रभुपाद जी उस समय कहीं भी किसी रास्ते में चल सकते थे,
वो हॉवर्ड किसी भी समय पे वहाँ से जा सकते थे, उसी समय में बराबर गए और भगवान ने योजना कर दी और बराबर उस समय पे वो पहुँच गए। तो ऐसे कहते हैं कि कोइंसिडेंसेस आर गॉड्स वेज ऑफ स्टेइंग एनोनिमस। कि जब योगायोग होता है, योगा योग और योगेश्वर तो जो योगायोग कौन कराते हैं, वो योगेश्वर भगवान कराते हैं। तो इसीलिए हमें कभी ये जानकर कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, ये जानकर हमें हौसला हमेशा रखना है। भगवान योगेश्वर है, भले ही हमें समस्या हमारे सामने नामुमकिन लगती है, पर भगवान पे केंद्र रखेंगे तो समस्याओं के हम परे जा सकते हैं। तो क्या कहता था, मैंने कहा था कि मैं चार पॉइंट्स लूँगा। तो ये पहला पॉइंट था कि योगेश्वर भगवान जिसके साथ है वहीं पर विजय होगा। किसी का कोई सवाल है इस पर? तो फिर दूसरा पॉइंट जो हम देखेंगे कि धनुर्धरा जो का मतलब क्या है कि अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया है। तो अभी अर्जुन भगवद्गीता के शुरुआत में धनुष उठा के युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे, पर जब उन्होंने देखा कि किस तरह से सारे उनके रिश्तेदार, उनके वरिष्ठ जो थे के सामने हैं, तो वो उससे विचलित हो गए। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वे चाम च महीक्षितां उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। देखा कि भीष्म और द्रोण उनके खिलाफ मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ, तो वह देखकर क्या कर दिया उन्होंने, अपना धनुष बाजू में रख दिया, मैं युद्ध नहीं कर सकता। नो योत्स्यति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। अभी ये जो ऐसे तरह से बाजू को रख देना है धनुष को, उसका अर्थ क्या है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। अभी कोई किसी विद्यार्थी की परीक्षा है और परीक्षा शुरू हो गई है, और परीक्षा में अपने कुछ आंसर्स लिखने के पहले ही वो विद्यार्थी अपना पेन बाजू को रख देता है। अभी मतलब और पेन बाजू को रख दे, कुछ लिखेगा नहीं तो अपने आप ही वो फेल हो जाएगा कुछ किए बिना ही। तो अर्जुन ने इस तरह से धनुष बाजू को रख दिए, इसका मतलब है कि वो अपना हौसला हार गए थे। पर भगवद्गीता के वचनों के द्वारा क्या हो गया, उनका हौसला पुनः हो गया, धनुर्धरा, उन्होंने अपना धनुष पुनः उठा लिया। और यह क्यों हुआ, भगवान ने अर्जुन की दृष्टि बदल दी। अर्जुन क्या सोच रहे थे कि इसको तीन स्तर पे है, एक है कि एक है पोजीशंस, दूसरा है रिलेशंस और तीसरा है डिवोशन। तो मैं अभी अमेरिका में था, मैं प्रिंसटन में एक लेक्चर दे रहा था, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका की बड़ी यूनिवर्सिटीज में से है। तो वहाँ पे कुछ हिंदुइज्म के प्रोफेसर वगैरह आए थे, तो एक प्रोफेसर पूछ रहा था सवाल कि क्या भगवान, डज गॉड कंसिडर पोजेशंस मोर इम्पॉर्टेंट देन रिलेशंस, कि क्या भगवान कहते हैं कि हमारी संपत्ति है, हमारे संबंधों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कि वो राज्य प्राप्त करने के लिए उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम युद्ध करो, अपने संबंधियों को भी मार डालो, तो क्या उसके लिए, तो क्या ऐसे कैसे हो सकते हैं। साधारणतः लोग कहते हैं कि हमारी जो संपत्ति वगैरह ज़रूरी है, पर संबंध से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये बताया था कि वास्तव में यह जो विचारधारा थी, यह अर्जुन की विचारधारा थी, यह कृष्ण की विचारधारा नहीं है। अर्जुन यही कहते हैं कि यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा, कि वो लोग के कारण देख नहीं रहे कि वो गलत कार्य कर रहे हैं, पर मैं लोग के कारण, लोग के लिए, राज्य प्राप्ति के लिए मैं मेरे रिश्तेदारों का खिलाफ युद्ध कैसे करूं। नियंत धात राष्ट्रान्न का प्रीति स्या जनार्दन स्वजनम निकट महत्व सुखिन स्याम माधव। बार बार वही बात बता रहे कि मैं मेरे कुछ संपत्ति प्राप्त करने के लिए मैं मेरे रिश्तों को क्यों त्याग, मेरे रिश्तेदारों के खिलाफ मैं युद्ध क्यों करूं। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि जब युद्ध कर रहे हैं, जब हमारी दृष्टि होती है कि क्या है? अच्छा, ये इसलिए कर रहे हैं, क्या होता है उस दृष्टि से देखते हैं तो अर्जुन को लगता है अर्जुन का बात तो सही है,
और भगवान बताते हैं कि तुम न तो संपत्ति के लिए युद्ध कर रहे हो, न तुम रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध कर रहे हो, तुम धर्म की प्रस्थापना के लिए युद्ध कर रहे हो। तो जो उच्च उद्देश्य, भगवान कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, मैं धर्म की संस्थापना करने के लिए आता हूँ। और फिर बाद में ये चौथे अध्याय में बताते हैं, और फिर ग्यारहवें अध्याय में बताते हैं निमित्त मात्रम भव सौम्य साची, कि अर्जुन ये धर्म की प्रस्थापना करना जो मेरा उद्देश्य है उसके लिए तुम एक निमित्त बन जाओ मेरे लिए। तो भगवान क्या करते हैं, ऊंची दृष्टि देते हैं, ये कार्य तुम क्यों कर रहे हो, न तो तुम संपत्ति के लिए कर रहे हो, न संबंधियों के खिलाफ युद्ध कर रहे हो, तुम धर्म की प्रस्थापना करने के लिए कर रहे हो। अभी अभी क्या है कि हाँ ये अर्जुन के रिश्तेदार है और उनसे युद्ध अर्जुन कदापि करना नहीं चाहते थे, पर अर्जुन एक क्षत्रिय है, क्षत्रिय को धर्म की प्रस्थापना करना जरूरी होता है, और वो धर्म की प्रस्थापना नहीं करेंगे तो क्षत्रिय अपनी जिम्मेदारी में पीछे हट रहे हैं। तो अभी मान लीजिए कोई चोर चोरी करता है, तो साधारणतः चोर चोरी कैसे करते हैं कि कोई घर में नहीं है तो अंधेरे में कोई देखेगा नहीं, वहाँ पर जाके चुपचाप किसी घर में जाके कहीं पर जाके चोरी कर लेंगे। पर कोई चोर होते हैं ऐसे ऐसे कि दिन दहाड़े वो जाते हैं किसी के घर में और उस समय बंदूक रख के जब उसे चोरी कर लेते हैं। तो ये कि अकेले में कहीं अंधेरे में छिपके चोरी करना ये भी बुरी बात है, पर सबके सामने चोरी करना यह तो उससे भी दुस्साह, बड़ा दुस्साहस है। पर मान लीजिए कोई चोर पुलिस स्टेशन में जाते हैं और पुलिस स्टेशन में वहां पे कुछ पैसा रखा हुआ है और पुलिस स्टेशन में पुलिस के सामने चोरी कर लेते हैं, तो यह तो मतलब ये तो पूरा गैर कानूनी कार्य की पराकाष्ठा हो गई। तो उसी तरह से अभी जब हम देखते हैं दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, वे सब द्रौपदी का अपमान करना चाहते थे, द्रौपदी की जो इज्जत है वो चुराने का प्रयास कर रहे थे। अभी ऐसा कार्य अगर कोई करता है तो बहुत बुरा व्यक्ति है, पर साधारणतः ऐसा कार्य लोग किस अकेले रास्ते पे किसी को पकड़ के जबरदस्ती करेंगे, पर अगर रास्ते में सबके सामने कर रहे हैं तो मतलब ये तो इतने गुनहगार है कि उनको किसी का भय भी नहीं है। पर मान लीजिए पुलिस स्टेशन जाके ऐसा कार्य करते तो मतलब तो सारा कानून टूट ही गया। जो दुर्योधन, दुशासन, उन्होंने जो द्रौपदी का अनादर करने का प्रयास किया वो क्या था, सबके सामने था, न केवल सबके सामने जो राजागण है, जो धर्म नियम का न्याय का करना करने की जिम्मेदारी है उनके सामने वो कर रहे थे। तो अभी ऐसे लोगों को, खास करके दुर्योधन को, अगर राज्य करने की शक्ति अनियंत्रित मात्रा में मिल जाए तो फिर वो तो सारे राज्य में विध्वंस कर देगा, पूरा अधर्म कर देगा। तो जब पांडव 13 साल जंगल में थे तभी दुर्योधन ने ज्यादा कुछ अधर्मिक कार्य नहीं किया, क्यों, क्योंकि उसको नागरिकों को और जो मंत्रीगणों को अपनी ओर जीतना था, इसे तभी उसने इसे दिखावा किया कि मैं अच्छा राज्य कर सकता हूँ, मैं दान दूंगा, मैं सबका कल्याण करूंगा, पर वह सब एक दिखावा था, नकाब था, जिससे कि वो पांडवों से जो राज्य प्राप्त कर लेगा वो अपने पास रख सके, और अगर पांडव का खतरा निकल गया तो फिर क्या होगा, तो फिर वो पूरा अपना जो अपनी बेरहमी है, अपनी धार्मिकता है, वह सब खुलेआम कार्य करने लगे। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को रोकना बहुत जरूरी था। तो भगवान ने क्या किया, अर्जुन की दृष्टि को ऊपर उठाया, तुम संपत्ति के लिए युद्ध नहीं कर रहे हो, अगर पांडव संपत्ति के लिए युद्ध कर रहे होते तो फिर भगवान क्यों कहते शांति दूत के रूप में कि तुम 5 गांव दे दो, तो संपत्ति के लिए युद्ध नहीं कर रहे थे, और वो ऐसे ऐसे नहीं था कि उनको अपने रिश्तेदारों के से युद्ध करने में कुछ आनंद मिल रहा था, पर अगर वो रिश्तेदार किसी धार्मिक व्यक्ति
अधार्मिक व्यक्ति जो अधर्म के मूर्तिमान दुर्योधन है उसके साथ है तो क्या करेंगे। तो कभी क्या होता है, हमारी सीमित दृष्टि होती है, ये इसलिए करना है, ये इसलिए नहीं करना है। पर जब तो कभी कभी क्या होता है, हम सबका अपना जीवन में उद्देश्य होता है कि मैं ये नौकरी इसलिए कर रहा हूँ, मुझे पैसा कमाना है, मेरे परिवार में इसलिए मुझे ये करना है। और जो हमारा उद्देश्य अगर पूरा नहीं होता है तो हमें लगता है क्यों कर रहा हूँ, ये करने का क्या फ़ायदा है मेरे लिए। तो भगवद्गीता में अर्जुन का ऐसे ही हौसला चला गया, मैं युद्ध क्यों करूँ। पर भगवान ने क्या किया, उसको एक ऊंचा उद्देश्य दिया। ऊंचा उद्देश्य क्या था कि तुम युद्ध कर रहे हो धर्म की प्रस्थापना करने के लिए। और कैसे होता है कि जितना हमारा उद्देश्य ऊंचा होता है उतना वो उद्देश्य में शक्ति होती है कि समस्याओं के परे जा सके। क्या होता है कि द स्ट्रेंथ ऑफ आवर पर्पस गिव्स मोमेंटम टू आवर मोशन। कि जब हम मान ले चल रहे हैं आगे अपने जीवन में, अगर हम एक साइकिल लेके चल रहे हैं और बीच में एक पेड़ गिर जाता है तो क्या होगा, वो साइकिल हम रोक देंगे, पेड़ के सामने क्या करेंगे। पर हम एक बड़े ट्रक में जा रहे हैं और एक पेड़ नीचे गिर गया तो ट्रक तेज़ी से चल रहा है तो क्या है, वो पेड़ को बाजू को ढकेल के ट्रक आगे चल जाएगा। तो वैसे क्या होता है, हम सबके जीवन में समस्याएँ आती हैं और हम सबको हमारा सबका उद्देश्य होता है कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, मैं ये उसलिए कर रहा हूँ। और जब हमारा उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति नहीं होती है तो मैं तुम्हें क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ मैं, ये उद्देश्य तो पूरा नहीं होने वाला है। पर तभी हमको एक ऊंचा उद्देश्य लग जाता है। ऊंचा उद्देश्य मतलब क्या कि अंत में मैं ये केवल इस व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए, इस देह की प्राप्ति के लिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं वास्तव में यह उद्देश्य यह एक भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, यह मैं भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूँ, मैं यह इस जितना हमारा ऊंचा उद्देश्य होगा उतना हम समस्याओं के परे जा सकते हैं। अगर मैं अमेरिका में एक साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के सेमिनार में था कि विज्ञान और आध्यात्म, तो वहाँ पे अभी कुछ ऐसा बड़ा दिलचस्प रिसर्च हो रहा है कि कैसे आध्यात्मिक कार्यों से अगर कोई जप करता है, कोई ध्यान करता है, तो उसके द्वारा बहुत से लोगों को ऐसा अनुभव हुआ है कि उनके मन की शांति होती है। पर अभी एक वैज्ञानिक स्तर पे ऐसे ऐसे पता चला है कि हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में जो वायर्स होते हैं, दिमाग में हमारा, हम जब कार्य करते हैं तो दिमाग में जो सिनेप्सिस कहते हैं, जो छोटे छोटे अवयव होते हैं जो भी है, वो अलग अलग प्रकार से कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं। तो जो जो लोग साधारणतः सुखी होते हैं, सकारात्मक होते हैं, उनके दिमाग की वायरिंग एक प्रकार से होती है। और जो लोग नकारात्मक होते हैं, दुखी होते हैं, हमेशा शिकायत करते रहते हैं, हमेशा उदास रहते हैं, उनके लोगों की वायरिंग अलग प्रकार से होती है। तो अभी ये जो होते हैं ऐसे, तो ये जो वायरिंग परमानेंट नहीं होती, उसको बदल सकते हैं। तो अभी क्या हुआ है, वह संशोधन में पता चला है कि जो लोग नियमित रूप से ध्यान करते हैं, जप करते हैं, उनके दिमाग की वायरिंग ही बदल जाती है। तो जो अगर पहले नकारात्मक भाव की वायरिंग होगी तो अभी सकारात्मक के भाव बन जाती है। तो अभी जो वैज्ञानिक संशोधन कर रहे थे तो क्या हुआ, वो बता रहे थे मुझे कि वो बता रहे थे तभी कि जब उन्हें चालू ऐसे अनेक वैज्ञानिक कर रहे थे, पर ये वैज्ञानिक काफ़ी प्रोमिनेंट है, बताते कि जब वो ऐसे करने लगे तो आजकल कैसे है कि मेन स्ट्रीम साइंस जो अधिकांश विज्ञान में है, कोई भी कोई धर्म या भगवान के बारे में बात करो बोलते नहीं, बात मत करो इसके बारे में, कहते कि ये वैज्ञानिक बाजू में रखो, भगवान बाजू में रखो, आप विज्ञान और धर्म को आप मिक्स मत करो, विज्ञान और भगवान को मिक्स मत करो। तो कोई भी चीज़ धार्मिक आ गई तो फिर वो उसको इजाज़त ही नहीं देते, उसको उसको वो आगे बढ़ने नहीं देते। पर इसके तो ये जो वैज्ञानिक था उसको बड़ा समस्या आ गई सर, क्योंकि उसके धर्म उसके साथ दिख रहा था कि जो अगर कुछ दिव्य नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उससे सकारात्मक प्रभाव होता है। तो फिर क्या हुआ, जब उसका उसका फंडिंग कट हो गया, उसको कुछ फंडिंग फैसिलिटी नहीं मिल रही, सुविधाएं नहीं मिल रही थे, पैसे नहीं मिल रहे थे सर्च करने के लिए, तो बड़ा हताश हो गया था।
और तभी उसने बताया कि फिर उसको कैसे प्रेरणा मिली, बोले कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मैं सब इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे पैसा चाहिए, मैं सब इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे बड़े बड़े जर्नल साइंटिफिक जर्नल में मेरा नाम आना चाहिए। उसको खुद उसने उसको एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आध्यात्मिक अनुभव आया था और उसको तभी वो एक बार बहुत डिप्रेस हो गया था, आध्यात्मिक अनुभव से उसका जीवन परिवर्तित हो गया। मैं कहा कि जैसे मेरा जीवन परिवर्तित हुआ है वैसे मैं दूसरों के जीवन को परिवर्तित करना चाहता हूँ। और उनको दिखाया जाता हूँ कि आपका जीवन परिवर्तित होता है अध्यात्म के द्वारा, ये कुछ अनसाइंटिफिक नहीं है, ये वास्तव ये अवैज्ञानिक नहीं है, वैज्ञानिक ही है। तो जब उसने ये विचार किया कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं ख्याति के लिए नहीं कर रहा हूँ, पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, तो उसके द्वारा क्या हुआ, उसको पुनः प्रेरणा मिल गई। और फिर भले ही वैज्ञानिक स्वीकार न कर सके कर रहे थे अधिकांश वैज्ञानिक, पर क्या हुआ, उसने उसके संशोधन इतना आकर्षक था कि उसने किताबें लिखी, यूट्यूब की वीडियो बनाए और फिर उसके द्वारा लोगों में प्रसिद्ध हो गया। फिर उसके बाद में वैज्ञानिक उसको सीरियसली ले लेंगे। तो फिर यह मैं उसका उद्देश्य इसलिए बता रहा हूँ कि क्या है कि अगर हमारा छोटा सा ध्येय होगा तो समस्या आ जाएगी, तो हम बोलेंगे छोड़ दो, ये छोटा सा उद्देश्य होगा। तो अर्जुन जो हताश हो गए थे, अर्जुन धनुर्धर कैसे बन गए, क्योंकि दृष्टि ऊपर उठ गई कि मैं ये किस लिए कर रहा हूँ, मैं इस उद्देश्य उस उद्देश्य के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। जब ऐसा धनुर्धर जब भी हम हताश हो जाते हैं तो हमें ये देखना चाहिए मैं किस उद्देश्य से कर रहा हूँ। जब तक हम किसी छोटे उद्देश्य से लग जाते हैं तो फिर हताश होने की संभावना बढ़ जाती है। जितना हमारा बड़ा उद्देश्य है उतना हम हताश होने के परे चले जाएंगे। तो अर्जुन तो भगवद्गीता हमको ऐसे एक डिवाइन पर्पस, एक दिव्य उद्देश्य देते हैं हमारे जीवन के लिए। जो भी हमारी समस्या है हमारे जीवन में, मैं इस परिस्थिति में क्यों हूँ, मैं भगवान की सेवा के लिए यहाँ पर हूँ। इस भाव से जब हम कार्य करते हैं तो सब समस्याओं के सामने जाने का मौका हमें शक्ति हमें मिलती है। तो अगर हम कुछ छोटे से उद्देश्य, मुझे पैसा कमाना है, मुझे ख्याति कमानी है, मुझे ये करना है, उस उद्देश्य से हम कर रहे हैं तो हम एक साइकिल के समान हैं। एक पेड़ आ जाएगा, हम रुक जाएंगे, पर हमें भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूँ, भगवान के गुणगान के लिए कर रहा हूँ, दूसरों के कल्याण के लिए, मेरे परिवार वाले हो दूसरे हो, मैं इस बड़े उद्देश्य से कर रहा हूँ। तो क्या होगा, उस उद्देश्य जब तक हम मन में रखेंगे तो हम एक साइकिल से एक ट्रक बन जाएंगे, जो समस्या आएगी उसके पर जाने की क्षमता हमें मिल जाएगी। तो उसी तरह से अर्जुन को क्षमता मिली धनुर्धर। तो ये दूसरा पॉइंट था कि क्या अर्जुन का हौसला आ गया वापस, क्योंकि भगवान ने उनको एक दिव्य उद्देश्य प्रदान किया था। और तीसरा पॉइंट जो है मतिर मम। अभी मतिर मम का मतलब क्या है, किसी को पता है? ये मेरा मत है, ये मेरी राय है। अर्जुन कहते हैं, ये कह रहे हैं कि ये मेरा मत है कि जहाँ कृष्ण है जहाँ अर्जुन है वहीं पे विजय होगा। तो अभी कई बार हम कहते हैं कि हमें शास्त्रों के वचनों को मानना चाहिए, हमारा मत तुम्हारा मत ये तो क्या है, हमारे मत बदलते रहते हैं। तो एक व्यक्ति है वो कहते हैं कि कॉमेडियन है, वो कहते हैं कि माई ओपिनियन इज चेंज बट द फैक्ट दैट आई एम राइट हैज नॉट चेंज। मेरा मत तो बदल गया है पर ये सत्य कि मैं सही हूं वो नहीं बदला है। तो क्या होता है कि हमारे मत जो होते हैं बदलते रहते हैं, एक तो अभी ऐसा लगता है वैसे कोई बात वैसे लगता है। तो फिर भगवद्गीता तो भगवान का ज्ञान है, भगवान के वचन है। तो संजय ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये भगवान के वचन है, वो ये क्यों कह रहे हैं मतिर मम, ये मेरा मत है। तो वास्तव में हम ये कह सकते हैं कि कोई कहता है, अगर कोई कहता है कि ये श्लोक है ये शास्त्र बताएगा, शास्त्र का वचन है, तो हम शायद उसको और गंभीरता से लेंगे। कोई बताएगा ये मेरा मत है, ठीक है तुम्हारा मत है, मैं इतने गंभीरता से नहीं लूँगा। तो ऐसे क्यों बता रहे हैं ये मतिर मम, तो इसका मतलब ये है, ये नहीं है कि ये अर्जुन अभी ये संजय का मत है इसलिए इसका महत्व नहीं है। उसका भाव ये है कि भगवद्गीता का उद्देश्य वास्तव में क्या है। भगवद्गीता का उद्देश्य ये नहीं है कि भगवान की महिमा को बताना, हाँ वो उद्देश्य है पर वो प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। उसका प्राथमिक उद्देश्य द पर्पज ऑफ द गीता इज नॉट टू प्रोक्लेम गॉड्स पोजिशन।
The purpose of the Gita is to transform man's disposition. जो भगवान की महिमा बताना ये प्राथमिक उद्देश्य नहीं है, जो मानव की चेतना को बदलना के उद्देश्य को बदलना वह बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए अगर हम देख सकते हैं, हम कहते हैं साधारणतया कि जहाँ नारायण है वहाँ लक्ष्मी होती है। तो अगर वही बात होती तो संजय कह सकते थे कि जहाँ पे योगेश्वर है वहाँ पे विजय है, जहाँ पे योगेश्वर है और जहाँ पे धनुर्धर है वहाँ पे विजय है, ये बोलने की जरूरत क्या थी? अर्जुन का उल्लेख करने की जरूरत क्या है? वहाँ पे जहाँ पे कृष्ण है वहाँ पे विजय है, ये सत्य है। तो पर यहाँ पे भगवान, यहाँ पे भगवद्गीता का उद्देश्य क्या है कि भगवान महान है ये बताना नहीं है, जरूरी है ये सत्य कि भगवान महान है, पर भगवान महान है इसीलिए हमें भगवान की इच्छा के अनुसार, की योजना के अनुसार कार्य करना है। तो कैसे भगवान की महिमा को जानकर हम हमारी इच्छा को, हमारे इरादे को बदल सकते हैं, यह भगवद्गीता में दर्शाया गया है। तो मान लीजिए कोई डॉक्टर बहुत बड़ा डॉक्टर है कि इसने ये सर्जरी की है, इसने ये इतने सारे दवा को, इतने सारे बीमार का मरीजों को ठीक किया है, इसने इतने सारे पेपर छापे, किताब लिखे है, यहाँ यहाँ उसके पेशेंट्स है। अभी ये सब डॉक्टर की महिमा है, ये सही है। पर अगर कोई मुश्किल ट्रीटमेंट है, मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया, उसको कीमोथेरेपी लेनी है, रेडियोथेरेपी लेनी है, ये थोड़ा दर्दनायक दर्द होता है ऐसे 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 इलाजों में, तो तभी कोई अगर मरीज है, रुग्ण है, वो लेने को तैयार नहीं है ट्रीटमेंट दवाई। पर अगर वो सुनता है अच्छा ये डॉक्टर इतने महान है, ठीक है ये ट्रीटमेंट मुश्किल भी है, पर ये डॉक्टर अगर इतने महान है तो फिर इसकी ट्रीटमेंट जरूर मैं ठीक हो सकता हूँ, तो इसीलिए मुझे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर की महिमा बताने का उद्देश्य क्या है? यह उद्देश्य ये है कि उससे पेशेंट्स को प्रेरणा मिले कि ये ट्रीटमेंट ले ले वो। तो यहाँ पे क्या है, भगवान जहाँ है वहाँ पे विजयी होने ही वाले हैं, पर अर्जुन भगवान के साथ जाए, मतलब क्या है, अर्जुन का भाव बदल गया है। और उसी तरह से जब मतिर ममा संजय कहते हैं तो उसका मतलब क्या है, वो कह रहे कि हे संजय, कि संजय कह रहे कि मैं भी समझ गया हूँ कि भगवान की महिमा ऐसी है कि जो भगवान के साथ में रहेंगे वही विजयी होगा, जो भगवान के भगवान से भेद में हो जाएंगे, भगवान से अलग जाएंगे, उनका विजय नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ये मतिर ममा, ये मेरा मत है, मतलब ये क्या है कि अर्जुन संजय ये कहने से कि संजय भी कन्विंस हो गए हैं, संजय भी पूरा समझ के स्वीकार कर लिया है, ऐसा जोर दिया। तो इसीलिए जब हम हमें भी भगवद्गीता का संदेश सुनना है, समझना है, तो क्या है कि हमारा जो मत है वो भगवान से सहमत होना चाहिए। तो वह दर्शा गया है मतिर मत, मतिर ममा से। ऐसे नहीं है कि भगवान आदेश देंगे और हम स्वीकार करेंगे। क्या है, भगवान ये आदेश क्यों दे रहे हैं, भगवान ऐसे करने को क्यों बता रहे हैं, और जब इस तरह से बता रहे हैं तो ये मुझे क्यों करना चाहिए। अगर हमें कुछ नियम बताते हैं कि आप ऐसे करो, आप ऐसे मत करो, तो हमें ऐसे क्यों करना चाहिए, ऐसे क्यों नहीं करना चाहिए। अगर ज़बरदस्ती अगर किसी को लगाते मैं बोल रहा हूँ ऐसे करो, तो क्या होगा, जब तक हम होंगे उनके सामने देखते हुए तो हम काम कार्य करेंगे, पर वो नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे तो वो कार्य नहीं करेंगे। एक बार एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था और बहुत तेज़ से गाड़ी चलाई उसने, तो फिर वो ट्रैफिक पुलिस ने उसको पकड़ लिया, ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया, फिर उसको पूछा क्या तुमने स्पीड लिमिट नहीं देखा था, कि हाँ मैंने स्पीड लिमिट देखा, मैंने बस आपको नहीं देखा। तो मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर किसी व्यक्ति को ये समझता नहीं कि स्पीड लिमिट के अंदर जाना चाहिए क्योंकि इसमें मेरे ही सुरक्षितता है, तो अगर वो खुद स्वीकार नहीं कर रहा है तो क्या होता है, वो स्पीड लिमिट तब तक पालेगा जब तक कोई दिखेगा नहीं, कोई देख नहीं रहा है तो तुरंत स्पीड लिमिट के परे चले जाओ। तो उसी तरह से ज़बरदस्ती से अगर हम किसी को कुछ कार्य करने को लगाते हैं तो ज़्यादा समय तक वो कार्य नहीं करेंगे, पर अगर उनको खुद समझ में आ जाए ऐसे क्यों करना है तो फिर ज़रूर
वो खुद अपनी इच्छा के अनुसार अपनी बुद्धि के अनुसार वो कार्य करेंगे। प्रभुपाद जी के एक वरिष्ठ भक्त है, वरिष्ठ शिष्य है, सन्यासी गुरु है हमारे आंदोलन में, वो मैं उनसे मिला था अभी अमेरिका में। तो मैं भी कॉलेज में प्रचार करते हैं अमेरिका में, काफ़ी मुश्किल होता है वहाँ पे प्रचार करना। तो वो बताए थे कि प्रभुपाद जी ने उनको बताया कि कॉलेज में प्रचार कैसे करना है। तो वो बताए थे कि द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इन कॉलेज आउटरीच इज टू प्रेजेंट कृष्ण कॉन्शियसनेस एज अ सेट ऑफ रूल्स। अगर आप कृष्ण भावना क्या है, ये नियम पालन करना, ये नियम पालन करना, ये नियम पालन करना, ये नियम पालन करना, अगर कृष्ण भावना सिर्फ आप नियम के रूप में बताओगे तो तुम लोगों को दूर भगा लोगे। इट इज द वर्स्ट थिंग, सबसे बुरी चीज कर सकते हो। तो कृष्ण भावना में क्या है, जरूर नियम है, पर वो नियम क्यों है उसके लिए तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान जब समझते हैं तो अपने आप वो नियमों का अर्थ क्या है, महत्व क्या है, उसमें क्या हित है, समझ जाएंगे। तो अगर नियम नहीं होते हैं, मैं एक क्रिश्चियन वैष्णव कॉन्फ्रेंस में था तो वहाँ पे एक क्रिश्चियन पादरी बताए थे कि लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में। कहते हैं कि कॉलेज में ऐसे हम सब देख रहे थे कि कॉलेज में अगर लोगों को भगवान के बारे में बताया है, धर्म के बारे में बताया, तो समस्या क्या आती है। तो कहते हैं कि ये प्रीस्ट कौन है, वो जोक में बता रहे थे कि लोग सोचते हैं ऐसे कि अ प्रीस्ट मतलब क्रिश्चियन प्रीस्ट, A priest is someone who is constantly worried that someone somewhere is having a good time. कि कहीं तो भी कहीं भी कहीं पर कोई तो भी मजा कर रहा है और यह चिंता रहती है। किसी को मजा नहीं करना चाहिए, किसी को आनंद नहीं प्राप्त करना चाहिए, किसी को सुख नहीं मिलना चाहिए, ऐसा लोग सोचते हैं कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। तो जो भी कर रहा है, जिसमें आनंद मिल रहा है, वो मत करो। तो अभी ऐसा अगर नियम बता देंगे तो कौन पाएगा। तो इसलिए क्या है, कभी भी हमें नियम पहले नहीं बताने हैं, हमें तत्व ज्ञान बताना है। ये तत्व ज्ञान से हमारे जीवन में कैसे अर्थ आता है, कैसे हमारा शुद्धिकरण होता है, कैसे दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, वह बताना है। मान लीजिए अभी कोई नया फ़ोन आ गया है, जैसे आईफोन एक्स या कुछ आ गया है, आईफोन एक्स ही लेटेस्ट है या उससे परे कुछ है, एक्सेस, ओके एक्सेस है वो, ओके ठीक है, आईफोन एक्सेस आ गया है। तो अभी मान लीजिए अभी एप्पल उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो क्या सबसे पहले वो शुरुआत करेंगे इस फ़ोन का कॉस्ट 1,20,000 रुपये? सबसे पहले क्या बताएंगे वो, हाँ इतना फास्ट है, इसका ये फीचर है, वो फीचर है, वो फीचर है, और फिर बाद में सारा आकर्षण, अच्छा इतना अच्छा, इतना अच्छा है, बाद में फिर आप क्लिक करेंगे कहीं देखेंगे अच्छा इतना बड़ा कॉस्ट है। तो पहले फीचर्स बताते हैं फिर बाद में कॉस्ट बताते हैं। तो अगर कोई बेचना चाहता है फ़ोन को तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसके क्या फ़ायदा है, उसके क्या गुण है वो बताएंगे। अगर किसी व्यक्ति ने फ़ोन ख़रीदा है और वो सबको गर्व से दिखाना चाहता है, मैंने कितना महंगा फ़ोन ख़रीदा है, बताएगा पता है मेरा फ़ोन इतना है, 1,20,000 का है, अरे बाप रे तुम इतना पैसा है तुम्हारे पास, इतना महंगा फ़ोन ख़रीदा है, तो उससे क्या होगा, लोग शायद एडमायर करेंगे, लोग इतना इम्प्रेस हो जाएंगे, पर लोगों में खरीदने की इच्छा नहीं होगी। तो उसी तरह से क्या है, जब हम भक्ति का प्रचार करते हैं तो सबसे पहले हमें भक्ति से कैसे हमारे जीवन में अर्थ आता है, आनंद आता है, हमारा जीवन कैसे सुधरता है, वह बताना ज़रूरी है। अगर उसके पहले हम बता देंगे कि हम क्या करते हैं, ये नियम पालन करते हैं, मांस नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो लोग सुनके कहेंगे ठीक है भक्ति नहीं करना है आपको। तो फर्स्ट शो द प्रोडक्ट देन टेल द प्राइस। पहले कीमत बताओगे फिर बाद में प्रोडक्ट देखना ही नहीं मुझे बोलते। तो इसलिए क्या है, ये मत्तिर मम का मतलब क्या है कि भगवान ने इस तरह से गीता को समझाया है कि अर्जुन स्वीकार कर लिया है कि भगवान ने करना है और संजय भी स्वीकार कर लिया है, ये एक बौद्धिक स्तर पे स्वीकार किया है। कहीं भी भगवान ऐसे नहीं बता रहे हैं अर्जुन को कि मैं भगवान हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसे तुम ये करना चाहिए, नहीं, भगवान अर्जुन की बुद्धि को समझाते हैं, विमृश चैत दशेष, आप समझो और फिर कार्य करो।
तो इसीलिए ये मत्तिर मामा का महत्व ये है कि ऐसे नहीं है कि संजय का अपना अपना मत है, राधर उसका अर्थ क्या है कि संजय का मत भगवान से सहमत हो गया, क्योंकि भगवान ने तत्व ज्ञान बताया है, इतने अच्छी तरह से बताया है। तो इसी तरह से हमें ये देखना है कि लोगों को मुझे ये करवाना है ज़रूरी नहीं है, लोगों को समझाना ज़रूरी है। किसी से हमको कुछ बताना है, तुम ये करो बोलने के बोले क्यों करो, तो वो अगर हम पहले समझाते हैं तो फिर लोगों को वो करने की प्रेरणा मिलती है। तो यही मत्तिर मम का अर्थ है। और आखिरी पॉइंट जो था क्या, यत्र यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ ये कृष्ण है जहाँ अर्जुन, यत्र योगेश्वर यत्र पार्थो धनुर्धरः, यत्र तो दो बार आता है। तो यत्र का महत्व क्या है यहाँ पे कि दो स्तर पे है, एक है हिस्टोरिकल और एक है इटर्नल। कि एक है इतिहास के स्तर पर, धृतराष्ट्र ने सवाल पूछा था कि इस रणभूमि में क्या हुआ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता उत्सव मामक पांडवाश्चैव किम अपूर्वत संजय, क्या हुआ वहाँ पे रणभूमि में। तो अभी वो जो पूछे क्या हुआ उसका मतलब क्या है, तो जानना चाहते ये क्या हुआ, किसने क्या किया, पर अंत में वो जानना चाहते हैं कि यहाँ पे विजयी कौन हुआ। तो वो जो सवाल है थोड़ा इनडायरेक्ट सवाल है, और इनडायरेक्ट जो अप्रत्यक्ष रूप से सवाल पूछा गया है वो उसका एक अप्रत्यक्ष रूप से संजय जवाब दे रहे हैं। कि अभी ये सवाल थोड़ा अजीब है एक तरह से, अगर मान लीजिए अभी ये कार्यक्रम के बाद आप सबके लिए प्रसाद है, मानने की जरूरत नहीं प्रसाद है पर अगर मान लीजिए अगर कोई कहता है कि पूरा कार्यक्रम हो गया, फिर सब लोग बैठे, उनको प्रसाद सर्व किया, और सब लोग बैठे थे, प्रसाद सर्व करने के बाद उन्होंने क्या किया, ये पूछने की बात है कि प्रसाद खाया तो पूछने की बात क्या है उसमें। तो वैसे ही जब रणभूमि पे सब युद्ध करने के लिए आ गए थे उसके बाद में क्या क्या हुआ, युद्ध हुआ, वो तो एक साधारण जवाब है उसमें। पर यहाँ पे सवाल का अर्थ क्या है कि उस युद्ध में क्या हुआ, युद्ध सही में हुआ या नहीं, युद्ध में कौन जीता। तो वो बता रहे हैं वहाँ पे उनको भय क्या था कि क्योंकि ये धर्म क्षेत्र है तो शायद धर्म क्षेत्र में धर्म का प्रभाव हो जाएगा दुर्योधन पे, और शायद दुर्योधन बोलेगा मुझे युद्ध नहीं करना है। तो उसको ऐसे संजय धृतराष्ट्र का ऐसा संचय था कि ये धार्मिक जगह है, यहाँ पे कुछ ऐसे ध्वनियाँ होती है, प्रभाव होता है, तो उससे युद्ध नहीं कर जाएगा। तो यह पूछ रहे थे, मान लीजिए अगर कोई ऐसे सवाल पूछ रहा है कि सारा अभी सब लोगों को प्रसाद खाने के लिए बैठ गए और तभी क्या हुआ, और अगर तभी किसी ने कुछ नटखट करने के लिए मान लीजिए उसने कुछ क्या है किसी एक पाइप है पाइप को तोड़ दिया, सब जगह पानी होने वाला है तो सब गीले हो जाएंगे, सब भाग जाएंगे, प्रसाद हमें छोड़ देंगे, तो उसने कैसे कुछ योजना किया है जिससे कि वो प्रसाद सैबोटेज हो जाए, प्रसाद ले नहीं पाए लोग। तो फिर वो पूछेगा अच्छा वो सब क्या हुआ तभी। तो वैसे ही उसका क्या भाव है यहाँ पे धृतराष्ट्र का कि क्या है धर्म के प्रभाव के कारण दुर्योधन ने अपना अधर्मिक उद्देश्य छोड़ दिया। तो यहाँ पे जवाब दे रहे हैं कि यत्र कि वहाँ पे युद्ध हुआ, पर युद्ध में क्या हुआ, युद्ध में क्योंकि धर्मराज धर्म के स्रोत है भगवान कृष्ण है वहाँ पे, वहीं पे उनका ही विजय होगा। विजय कहाँ पे होगा, जहाँ पे कृष्ण है यहाँ पे अर्जुन है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से वो बता रहे हैं कि तुम्हारे पुत्र का कोई कल्याण नहीं होने वाला है, जो कल्याण होगा वो उनका ही होगा। और ये तो यत्र का ये ऐतिहासिक अर्थ है, और यत्र का एक और अर्थ है जो कि इतिहास के परे है। भगवद्गीता ये न केवल एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, ये एक शाश्वत ग्रंथ है जो भगवान हम सब के हृदय में है। उपनिषदों में बताया गया है कि हमारा शरीर जो है ये एक रथ के समान है, और इस रथ में हम सब आत्मा के रूप में बैठे हुए हैं और भगवान हम परमात्मा के रूप में हैं। तो भगवान हमारे मानवीय रथ के सारथी है। तो यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, तो मतलब जहाँ जहाँ पे भगवान है, भगवान तो हर एक के हृदय में, पर जहाँ भी भगवान है और जहाँ भगवान की सेवा के लिए तत्पर भक्त है, पार्थो धनुर्धर मतलब हम सब अगर भगवान की सेवा करने के लिए सक्षम होते हैं,
हम तैयार हो जाते हैं तो क्या है वहीं पे यश तत्र शरीर विजयो भूते ध्रुवानी तिर्मतिर मम वहीं पे यश है वहीं पे विजय है। यह यत्र का अर्थ है कि जो भगवद्गीता केवल एक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है वो एक शाश्वत ग्रंथ है। जो भगवान ने वचन भगवद्गीता में बताए थे वही भगवान हमारे हृदय में है और वही भगवान हमें भी मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर है तैयार है। हमें सिर्फ उनके उनकी ओर मुड़ना है उनसे श्रवण करना है। तो जितना हम भगवत भगवत भावना में आते हैं भगवत चेतना में आते हैं भक्ति करते हैं तो बाह्य रूप से जब हम मंदिर में आते हैं सत्संग करते हैं साधना करते हैं उससे क्या हो रहा है भगवत चेतना में आ रहे हैं। और जितना हम भगवत चेतना में आएंगे उतना भगवान में हमें अंदर से मार्गदर्शन करेंगे तो वो हमें मार्गदर्शन सुन पाएगी। जैसे रेडियो होता है अभी आजकल ज़्यादा लोग रेडियो यूज़ करते हैं पर FM यूज़ करते हैं थोड़े बहुत तो रेडियो को हमको ट्यून करना पड़ता है। अगर कोई स्टेशन पे कुछ कमेंट्री आ कुछ गाना आ रहा है कुछ कमेंट्री आ रही है कुछ न्यूज़ आ रहा है कुछ कार्यक्रम आ रहा है तो उसको अभी अगर जितना हम ट्यून करेंगे उतना वो कमेंट्री जो भी वहाँ कार्यक्रम चल रहा है हम सुन पाएंगे। तो वैसे ही क्या है भगवान अंदर से बात कर रहे हैं उनसे पर हमें खुद को ट्यून करना है। तो जो अर्जुन ट्यून हो गए हैं वह उल्लेखित होता है पार्थो धनुर्धरः। तो उसी तरह से अगर हम ध्यान पूर्वक भगवान का स्मरण करते हैं भगवान के बारे में श्रवण करते हैं भगवान का जप करते हैं तो उसके द्वारा हम हमारी चेतना ट्यून कर रहे हैं। जब हमारी चेतना ट्यून कर रहे हैं तो हमें सही मार्ग पे भगवान सही मार्गदर्शन दे देंगे। ठीक है ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए ऐसे करना चाहिए इस समय ऐसे करो और फिर हम देखेंगे कि हम किसी भी परिस्थिति में आ जाएंगे भगवान हमें आगे मार्ग दिखा देंगे और हम हमारे जीवन में अग्रसर रहेंगे। तो भगवद्गीता ये केवल ऐतिहासिक नहीं है ये शाश्वत है। जो भगवद्गीता भगवान ने अर्जुन को कही थी रथ पे वही भगवद्गीता का ज्ञान भगवान हमें हमारे हृदय से भी दे सकते हैं। और अगर हम रिसेप्टिव हो जाते हैं अगर हम अट्यून हो जाते तैयार हो जाते भगवान से सुनने के लिए तो भगवान के मार्गदर्शन के द्वारा हम हमारे जीवन में हर परिस्थिति में अग्रसर रह सकते हैं। तो सारांश में आज चर्चा की चार पॉइंट्स की कैसे भगवद्गीता का आखिरी श्लोक है उसमें चार शब्द जो भगवान ने जो इस्तेमाल हुए हैं उनका महत्व क्या है। पहला शब्द क्या था योगेश्वर। धन्यवाद। योगेश्वर मतलब जो अलौकिक चमत्कारी कार्य कर सकते हैं तो वह शब्द इसलिए इस्तेमाल किया कि धृतराष्ट्र को याद दिलाए कि वही भगवान जिन्होंने चमत्कार करके तुम्हें आंखें दी थी वही भगवान जिन्होंने विश्वरूप दर्शाया था तुम्हें विश्वरूप दर्शन करने का मौका दिया था वही भगवान जिन्होंने अभी अभी इसी भगवद्गीता में कुछ समय पहले विश्वरूप दर्शाया है वह तुम्हारे पुत्र के खिलाफ है। तो कम से कम तुम्हारे पुत्र के आसक्ति के कारण तो तुम उनके खिलाफ जाना छोड़ दो। तो वह भाव से योगेश्वर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हमारे जीवन में भी कभी बड़ी समस्या आ जाती है तो हमें लगता है इसके परे में कैसे जाऊँगा समस्याओं को देखेंगे तो हमारा हौसला चला जाएगा पर हर समस्या बड़ी समस्या से बड़े भगवान हैं तो योगेश्वर है वो चमत्कारिक पद्धति से हमारे जीवन में मदद कर सकते हैं। तो इसलिए भगवत जितना में रहेंगे हमारा हौसला बरकरार रहेगा। फिर दूसरा शब्द था धनुर्धरः। तो अर्जुन का हौसला चला गया था और उसने उन्हें धनुष बाजू में रख दिया। तो हमारे सबके जीवन में अलग अलग उद्देश्य होते हैं। तो अर्जुन सोचा था कि मैं युद्ध संपत्ति के लिए कर रहा हूँ पर ये संबंधियों के लिए मैं युद्ध नहीं करूँगा संबंधियों के खिलाफ नहीं आ जाऊँगा। तो जब इस स्तर पे था उसके बाद तो फिर युद्ध नहीं करना है बोला कि करना है पता नहीं था पर भगवान ने पूछा बताया तुम धर्म की प्रस्थापना कर युद्ध कर रहे हो। दुर्योधन इतना अधार्मिक था कि जो धर्म का पालन कर धर्म का अनुशासन करने वाले लोग थे उनके सामने वो अधर्म कर रहा था। द्रौपदी का राजसभा में उसने अनादर करने का प्रयास किया तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना बहुत जरूरी था क्षत्रिय के अर्जुन के लिए। तो अगर हमारा छोटा उद्देश्य होगा तो हम एक छोटी सी साइकिल के समान होंगे और पेड़ के कारण रुक जाएंगे पर हमारा बड़ा उद्देश्य होगा तो हम एक ट्रक के समान बन जाएंगे और समस्याओं के सामना करके जा सकते हैं आगे। फिर तीसरा शब्द था मत्तिर मम। मत्तिर मम का मतलब है कि यह मेरा मत है इसका मतलब है कि तुच्छ मत है पर कि भगवद्गीता का ऐसा उद्देश्य है कि न केवल भगवान का आदेश पालन करना है पर भगवान के संदेश को समझ के स्वेच्छा से अपने बुद्धि से उनके से सहमत होना है।
जब कृष्ण भावना किसी को बताते हैं तो ऐसे नियम नहीं बताने हैं, हमको तत्व ज्ञान बताना है पहले कि ये नियम है क्यों, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो पहले जो प्रोडक्ट है बताओ, बाद में प्राइस बताओ। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं मतिर्मा मतलब जैसे अर्जुन सहमत हो गए हैं भगवान से, वैसे संजय भी सहमत हो गए हैं। तो अगर हमारा मत भगवान से सहमत हो जाता है तो मतलब जो भगवद्गीता की शिक्षा हमारे अंदर में आ गई है, न केवल बाह्य रूप से हमने स्वीकार की है। और आखिरी था यत्र, यत्र का एक ऐतिहासिक अर्थ है कि धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि वही विजय होगा जहाँ पार्थ जब योगेश्वर और धनुर्धर है, मतलब तुम्हारे पुत्र का विजय नहीं होगा, उसके बाद कुछ कल्याण नहीं होने वाला है। यत्र का ये अर्थ भी है कि भगवान हरेक व्यक्ति के हृदय में, हरेक व्यक्ति का हमारा शरीर जो है रथ के समान है और हम अर्जुन के समान हैं। तो हम अगर भगवान से हमारी चेतना को ट्यून कर लेते हैं, हम उनकी ओर रिसेप्टिव हो जाते हैं, तो फिर भगवान हमें भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। वही भगवत का संदेश हमें मिलके हम भगवान की ओर जीवन में सदैव अग्रसर रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई सवाल है? यस। धन्यवाद रोगी सुंदर पर सिंह के। जो दूसरा मुद्दा आपने बताया धनुर्धर शब्द में, उसमें अर्जुन हताश हुए थे, आपने साइकिल और ट्रक का उदाहरण दिया, उसी प्रकार से ऐसा कोई भक्त साधक होता है उसके लिए उद्देश्य तो होता है कि कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करना है, लेकिन समस्या अलग अलग फ्रंट से आती है, कभी फाइनेंशियल है, कभी फैमिली है, कभी रिलेशनशिप, अलग अलग फ्रंट, तो इतनी सारी समस्याओं से घिर जाता है, जैसे अभिमन्यु का वध हो जाता है, हुआ था अलग अलग योद्धाओं से आक्रमण होने के पश्चात, उसी प्रकार से एक साधक के सामने देयर इज नो अदर ऑप्शन देन टू गिव अप, तो उसमें धनुर्धर कैसे बैठे? ओके। तो जब बहुत समस्या आ जाती है हमारे जीवन में, तो भले ही हमारा उद्देश्य बरकरार रहे तो भी जैसे अभिमन्यु के बहुत योद्धाओं ने आक्रमण कर दिया तो वो हार गया, ऐसे लगे तो कि हम भी हार मान लेते हैं। तो क्या है, भक्ति ऐसी चीज़ है कि हार और जीत क्या है यह आसान नहीं है समझना। जैसे हम देखते प्रभुपाद जी के जीवन में भी एक तरह से कितनी बार उनकी हार हुई, उन्होंने भगवत दर्शन भारत में चालू करने का प्रयास किया पर कोई लेने को तैयार नहीं था, और दिल्ली के शहरों में वो गर्मी में जाके बाट रहे थे और वो इतने थकान के कारण बेहोश हो गए, वहाँ पर एक गाय ने आकर उनको टक्कर दिया, गिरा दिया। फिर वो भगवत दर्शन का उनका जो जो प्रयास था वो बिल्कुल यशस्वी नहीं हुआ, वहाँ पर उनकी हार हो गई। उन्होंने लीग ऑफ डिवोटी चालू किया था, एक संस्था चालू की थी झांसी में, वहाँ पर भी यशस्वी नहीं हुए, तो वहाँ पर भी उनका उनकी हार हो गई एक तरह से। अपने अपना बड़ा बिजनेस करना चाहते थे वो भी नहीं हो पाया। तो अभी क्या है कि हम सबका एक्चुअली थोड़ा फर्क है गोल में और पर्पस में, जो ध्येय और उद्देश्य सूक्ष्म फर्क है। पर ध्येय क्या होता है, ये ध्येय एक बाह्य लैंडमार्क जैसे है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, पर जो उद्देश्य है वो एक दिशा है, मुझे इस दिशा में जाना है। तो भक्त का क्या होता है कि हम सबको अलग अलग प्रकार से अलग अलग परिस्थितियों में समस्याएँ आती है, और समस्याएँ आती है तो फिर तभी हम हो सकता है ऐसे कि हम कोई एक कार्य करना चाहते हैं वो कार्य नहीं हो रहा है, तो अगर कार्य नहीं हो रहा है तो एक स्वाभाविक रूप से तो थोड़ा दुख होगा, उसे थोड़े हताश हो गए, और यह तो एक मानवीय भावना है। ऐसे कोई अपेक्षा नहीं कर सकता है कि हम कुछ करना चाहे और ना हो पाएगा तो फिर थोड़ा हताश हो जाएगा, तो स्वाभाविक ही है। पर जब हम उद्देश्य की बात कर रहे हैं वो क्या है कि मान लीजिए कोई अभी गंगा सागर की ओर जा रही है, तो जब ऊपर पहाड़ में गंगा होती है तो ऐसे एक गंगा नहीं होती, अनेक छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज होते हैं, जैसे धाराएं होती हैं जल के, तो अभी ये अलग अलग धाराएं नीचे आ रही है पहाड़ से, तो जब उधर से नीचे आ रही है पर्वत से, तो तभी मान लीजिए गंगा इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, तो कुछ कुछ जो रास्ते हैं उसके बंद हो सकते हैं, तो अभी गंगा प्रयास करती रहेगी कि उससे मार्ग निकल सके, पर कभी कभी अगर मार्ग नहीं निकलता है गंगा बाजू से आ जाती है, ठीक है इधर से जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं,
तो अगर गंगा का उद्देश्य ये हो जाए कि मुझे इसी मार्ग से सागर को जाना है, तो फिर क्या होगा, वो पहुंच नहीं पाएगी। तो क्या है कि अगर मान लीजिए उधर से रास्ता है, उधर से कुछ ऐसी जगह है वहाँ पे ऐसे झरना बनने वाला है और उधर से उसको जाना है, पर उधर बंद हो गया रास्ता, तो बाजू से जाएगा तो इतना कोई ऐसा वाटरफॉल बनने वाला, झरना बनने वाला नहीं है, कुछ स्पेक्टेकुलर नहीं, धीरे धीरे जाने वाला होगा। तो फिर क्या है, अगर तो गोल मतलब क्या है कि मुझे उसी रास्ते से जाना है, मुझे ये लैंडमार्क क्रॉस करना है, पर उद्देश्य मतलब कि मुझे उस दिशा में जाना है। तो कई बार हमारे जीवन में हम ध्येय बनाते हैं और वो कभी भी यशस्वी नहीं होते। तो क्या है कि हमें हमारे जीवन को कभी भी किसी केवल एक धारा में संकुचित नहीं करना है कि हाँ हमारा परिवार है, हमारे आर्थिक जिम्मेदारियाँ, हमारी सेहत है, हमारे रिश्ते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं हमारी, तो इन सब में एक में दो में तीन में कभी कभी व्यत्यय आ सकते हैं। तो पर क्या है, ये हम सब इनके द्वारा सीमित नहीं हैं, ये सब हमारे भाग है, पर हम इनसे बड़े हैं। तो भले ही यहाँ पे सीमा आ गई, यहाँ पे बंधन आ गए, बाधा आ गए, पर यहाँ पे चला जाऊँगा मैं आगे। तो इसीलिए जब हम कहते हैं उद्देश्य, तो अगर भगवान की सेवा का उद्देश्य है तो फिर हमको खुद बुद्धि से इस्तेमाल करना है कि ठीक है मैं कैसी सेवा कर सकता हूँ जिससे कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने एक तरह से तो कहा कि अगर आप प्रचार करते हैं और कोई नहीं आएगा, उनके गुरुदेव ने कहा था कि तो कोई नहीं आता है तो आप दीवारों से प्रचार करो, दीवार सुनेंगे। पर जब प्रभुपाद जी भारत में प्रचार कर रहे थे, ज़्यादा लोग गंभीरता से नहीं ले रहे थे, तो प्रभुपाद जी दीवारों को प्रचार नहीं किया, वो अमेरिका चले गए। उन्होंने अमेरिका जाके फिर वहाँ पर प्रचार किया और फिर अमेरिकन लोग जो भारत में आ गए तो फिर भारतीय लोग भी प्रेरित हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर कह रहे हैं कि आप कोई नहीं आए तो दीवारों से प्रचार करो, इसका मतलब क्या है कि हौसला मत हार, पर उसका मतलब ये लिटरली कि आप दीवारों को प्रचार करते रहो। तो क्या है कि अगर हम एक मार्ग चल रहे हैं तो जब तक आप फैसला किया कि मुझे अभी ये सेवा करनी है तो पूरी शक्ति से प्रयास करो सेवा करने की, पर अगर ठीक है ये नहीं हो रही सेवा, अगर ये कार्य में यश नहीं मिल रहा है मुझे, तो ठीक है ये नहीं हो रहा है तो मैं इधर से ये करने लगूँगा। तो हमें एक तरह से इट इज वी नीड टू बी फिक्स्ड इन पर्पस एंड फ्लेक्सिबल इन प्रोसेस, कि हमारे उद्देश्य में हमें स्थिर रहना है, उसमें बदलना नहीं है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान के पास जाना है, पर कैसे करके जाना है वह अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग होगा। तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वह हमें ज़रूरी रखना, कि वो जो है फ्लेक्सिबिलिटी जो हमें बदलने की तैयारी रखना है वो ज़रूरी है। और क्या है, कृष्ण भावना ये वास्तव में केवल ये यश, कृष्ण भावना इतनी बड़ी है कि केवल यश नहीं उसमें अपयश भी आ जाता है। मतलब क्या है अपयश भी आ जाता है, मतलब क्या कि कभी कभी कोई व्यक्ति कृष्ण भावना में कोई कार्य नहीं कर पाएगा, पर वो कार्य न करके भी वो कृष्ण भावना वही तो भी प्रगति कर सकता है। कि मान लीजिए हम कोई बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं, बड़ा आयोजित करते हैं और वहाँ पर कोई आता ही नहीं है, तो एक तरह से वह जो है वो अपयश हो गया। एक भक्त बता रहे थे मुझे कि उन्होंने अमेरिका में राधा महाराज के लिए एक बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था, एक बड़ी यूनिवर्सिटी में बड़ा ऑडिटोरियम लिया था और लगभग 600-700 विद्यार्थी वगैरह आने वाले थे। तो फिर वो जब समय पे कार्यक्रम हुआ तो तभी क्या हो गया, वो आए और वहाँ पे एक भी विद्यार्थी नहीं, तो क्या हो गया। और जब वो बड़े ऑडिटोरियम में गए वहाँ पे, तो ऑडिटोरियम को ताला लगाया हुआ था, बोले क्या हो गया। और फिर वो महाराज उनके साथ थे और फिर उन्हें देखा कि वो जो प्रोग्राम था वो 17 तारीख को था, पर गलती से टाइपिंग मिस्टेक वो 11 हो गया था पोस्टर में, तो नहीं वो 11 वो 17 था पर गलती से 11 हो गया था। तो क्या हुआ था, वो सब जगह पे पोस्टर थे, सैकड़ों पोस्टर थे, पर वो अलग दिन के लिए थे, तो यहाँ पे वो महाराज आ गए और कोई भी नहीं था। और फिर तभी महाराज बोल रहे थे कि उनको 17 तारीख को दूसरे देश में जाना था, 17 को अवेलेबल ही नहीं थे वो। तो अभी ये भक्त इतने हताश हो गए, अरे इतना बड़ा कार्यक्रम बनाया, इतनी छोटी सी गलती हो गई, अरे कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो
अभी वो महाराज से माफी मांगे, तो ठीक है। तो तभी क्या हो गया, तभी कोई प्रोफेसर वहाँ पे आ गया, और वो प्रोफेसर जब वहाँ पे आ गया तो वो तुम कौन हो उसने पूछा। तो बताया कि मैं महाराज ने अपना परिचय किया कि मैं ऐसे हरे कृष्ण आंदोलन से मैं भगवता संधि देने आया हूँ। तो प्रोफेसर बोला कि मैं भगवान को नहीं मानता, नास्तिक हूँ। और फिर वो उनका महाराज से कह रहा कि आप मेरे पास आ मेरे कैबिन में, मैं आप सभी बात करना चाहता हूँ। और फिर वहाँ पे वो महाराज को ऐसे एक के बाद एक नास्तिकता के बारे में बताता है, ये ऐसे जैसे ये सब ये धर्म से ऐसे होता है, ये होता है, भगवान कल्पना है, वो है। और भगवान महाराज बड़े शांति से जवाब देने का प्रयास कर रहे थे, पर वो पूरा ऐसे कैसे था, कोई लोग इंग्लिश में कहते, कोई लोग एथीस होते हैं और कोई लोग एंटीथीस होते हैं। न केवल नास्तिक है बल्कि भगवान के खिलाफ आक्रमण करते रहते हैं। तो वो उस प्रकार का व्यक्ति था। तो महाराज शांति से जवाब दे रहे थे, अच्छा जवाब दे रहे थे, पर वो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं था। और अभी ये भक्तों के साथ थे तो वो और उदास हो गए, एक तो ये कार्यक्रम भी नहीं हुआ और ये व्यक्ति महाराज को इतना तो उल्टा सीधा बोल रहा है, महाराज की बात भी सुन नहीं रहा है। तो तभी क्या हो गया, वास्तव में वो जो प्रोफेसर थे वो PhD गाइड थे, वो PhD गाइड थे, और उनका एक PhD स्टूडेंट था, वो उनसे उसका अपॉइंटमेंट था। तो उन्होंने महाराज को बुला लिया अपने केबिन में। तो वो जो PhD गाइड का स्टूडेंट था वो महाराज की बात सुन रहा था, और वो प्रोफेसर तो बिल्कुल सुना नहीं, पर वो जो विद्यार्थी था वो बहुत इम्प्रेस हो गया। और फिर न केवल वो भक्त बन गया, उसने बहुत लोगों को भक्त बनाया। और फिर उसने 4 साल बाद अपना PhD पास होने के पहले वो पहला प्रोग्राम बना था, 1000 विद्यार्थी आने थे, 2000 विद्यार्थी के लिए प्रोग्राम बना दिया उसने। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो मार्ग से जाने वाले थे वो मार्ग तो पूरा ब्लॉक हो गया, दूसरा मार्ग भी ब्लॉक ही दिख रहा था, पर वहाँ से कुछ और मार्ग निकल गया। तो क्या है कि हम जब को लगता है हमको कि ये भी काम नहीं कर रहा है, वो भी काम नहीं कर रहा है, वो भी काम नहीं कर रहा है, तो क्या है कि हमें थोड़ा भगवान को काम करने के लिए जगह देनी चाहिए। सो क्या हम देखते हैं ये काम नहीं कर रहे, पर भगवान अपनी पद्धति से काम कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए महाराज नाराज हो जाते थे और महाराज चले जाते थे तो वो भी प्रोफेसर बात नहीं कर रहे, तो ये विद्यार्थी भी आने देते, क्योंकि महाराज ने अपना सेवा भाव बरकरार रखा कि ठीक है यहाँ पे 1000 विद्यार्थी नहीं आए तो यहाँ पे एक प्रोफेसर है, और वो प्रोफेसर भी मान नहीं रहा है, पर महाराज पता नहीं, तो किसी और ने सुन लिया। तो क्या है कि भगवान किस तरह से कार्य कर सकते हैं वह हमें पता नहीं है, इसीलिए हताश होने की जरूरी नहीं है, हमें कहीं और मार करके आगे बढ़ते रहना है। ओके, थैंक यू। कोई और सवाल है किसी? यस, इज अ माइक देयर पीछे। मेरा एक सवाल है। ओके, जैसे आपने बताया कि यहाँ होते समय वहाँ जीत होता है, लेकिन अभी कलयुग में तो अधर्म में ही जीत हो रहा है, ऐसा हमको पिछले 40 साल में लाइफ में वही प्रैक्टिकल देखा हूँ, वही इम्प्रेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ रहा है। इसके लिए सर मुझे लगता है कि जो भगवद्गीता का जो ज्ञान है वही थियोरेटिकल सब्जेक्ट मन क्योंकि वो हो नहीं रहे। ओके, आप माइक पीछे बैठ सकते हैं। तो क्या हम देख भगवद्गीता में बताया कि धर्म का जीत होता है, पर हम आजकल देखते हैं कलयुग में अधर्म का ही जीत हो रहा है। ऐसे नहीं है कि जब भगवान कहते हैं कि धर्म का जीत होता है उसका मतलब नहीं है कि हर पल धर्म का ही जीत होगा। इस भौतिक जगत में काल होता है, और कभी कुछ काल अनुकूल होता है, कुछ काल प्रतिकूल होता है। तो शास्त्रों में हम देख सकते हैं कि जब प्रभु श्री रामचंद्र वनवास में गए थे तो तभी उन्होंने देखा कि एक जगह पे ऐसे हड्डियों का ढेर हो गया था। क्या है बोला, बोले कि जो जंगल में ऋषि मुनि तपस्या करने आए थे वो राक्षस उन पर आक्रमण करके खा लेते हैं, तो उनके हड्डियों का ढेर यहाँ पे हो गया। तो वो रामटेक जगह वहाँ पे है वो। तो अभी मतलब जो भगवान की सेवा के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए
जीव को त्याग गया है, उनको क्या हो रहा है, रक्षा के खा रहे थे। तो वैसा तो आजकल नहीं हो रहा है। तो ऐसे क्या है कि जो मन होता है कि जो समस्याएं हों वो बहुत बड़ा बना देता है, पर जगत में समस्याएं आती रहती है, जाती रहती है। तो कुछ कुछ काल ऐसे हो सकता है कि जब अधर्म ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो जैसे तभी हो गया था, राक्षसों का आतंक काफ़ी समय तक चल रहा था, तो बाद में प्रभु श्री रामचंद्र ने वो आतंक को बंद करवाया। तो जो कलयुग ऐसा समय है कि जब जो जीव भगवान के खिलाफ जहाँ जाते हैं, उनको जो करना चाहते हैं वो कार्य करने के लिए सुविधा दी गई है। तो इसीलिए कलयुग में एक तरह से अधर्म ये अपेक्षित ही है। ये कैसे है कि अगर ये अलग अलग युग है, उनको हम कह सकते हैं ये अलग अलग ऋतुओं के समान है। तो अगर वर्षा का ऋतु होगा तो तभी बारिश तो आएगी, पर बारिश आएगी इसलिए ज़रूरी नहीं कि हम सबको भीगना है। हम सब छाता ले सकते हैं, रेनकोट ले सकते हैं, और इसके द्वारा हम खुद को संरक्षित कर सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे कलियुग में बताया गया, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, तो कृते अध्याय तो विष्णु द्वापारे परिचर्याय त्रेताया में तो मुखे उतर हरि संकीर्तनाथ हरि कीर्तनाथ। तो यहाँ पे क्या है कि समाज में जो अराजकता या अधर्म है वो कलयुग में काफ़ी हद तक रहेगा, क्योंकि कलयुग में उस प्रकार के जीवों को सुविधा दी गई है कि जो जीव शुद्ध थे वो सत्ययुग में त्रेतायुग में द्वापर युग में शुद्ध होकर भगवतधाम चले गए, पर जो जीव अशुद्ध थे उन युगों से अभी इस युग में आ गए। तो इसलिए ये इस युग में उन लोगों उन जीवों को सुविधा है। तो कहे कैसे कि धर्म ये एक व्यक्तिगत स्तर पर हो सकता है और ये एक सामाजिक स्तर पर हो सकता है। तो सामाजिक स्तर पर जो धर्म की प्रस्थापना है वह शायद मुश्किल है और कलयुग में उतनी नहीं होगी, पर जो एक व्यक्तिगत स्तर पर है वह ज़रूर हम सब कर सकते हैं। तो भले ही हम बारिश को रोक नहीं सकते हैं, हम खुद छाता ले सकते हैं। तो हम सब खुद भक्ति कर सकते हैं, भगवत धाम में रह सकते, भगवत भावना में रह के हम जो अधर्म से खुद को बचा सकते हैं। और ऐसे नहीं है कि हम खुद अकेले को बचाएंगे, हम दूसरों को भी प्रभावित कर सकते हैं। हम प्रभुपाद जी का उदाहरण दे सकते हैं, 50-60 साल पहले शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि सारे विश्व भर में भगवान की भक्ति होगी, पर आज हो रही है। विश्व हरेक जगह में हरेक देश में लगभग भगवान के भक्त है। अगर हम देखते हैं डर्बन डुबलिन दुबई हर जगह पे रथ यात्रा निकल रही है, तो सारी दुनिया भर में लोग धीरे धीरे भक्ति कर रहे हैं। तो 50 साल में ही काफ़ी बढ़ गया है। तो आगे चलेगा, अगर भक्त अपनी भक्ति करते रहेंगे दूसरों को संदेश देते रहेंगे तो वो बढ़ भी सकता है। इसलिए क्या है कि जो बारिश है वह एक तरह से अनिवार्य है, पर बारिश से राहत प्राप्त करने की सुविधा भी भगवान ने दी है, हमें दी है, और हम खुद उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरों को दिला सकते हैं। और जिस हद तक ये फैलाया जाएगा उस हद तक समाज में परिवर्तन आ सकता है। कि हरे कृष्ण प्रभु, मुझे ये पूछना है कि भक्ति और कर्तव्य में से क्या चूज करना चाहिए, और अगर कर्तव्य, मेरे पिताजी ये कहते हैं कि कर्तव्य करके भी मोक्ष मिलने वाला है और भक्ति करके भी मोक्ष मिलने वाला है, पर जो गोपी भाव है उसमें रासलीला के दौरान कृष्ण उन्हें मोक्ष दे रहे थे, पर उन्होंने मोक्ष से ज्यादा कृष्ण को रासलीला के लिए ये किया, बोला कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए कृष्ण चाहिए। तो हाउ अच्छा सवाल है कि कर्तव्य भक्ति और मोक्ष इन सब में से हमें क्या चुनना चाहिए। अभी क्या है कि ऐसे नहीं है कि ये तीनों जरूर अलग अलग हैं। क्या है कि भक्ति की दो संकल्पनाएं हो सकती है, इसको इंग्लिश में मैं कहता हूँ इंक्लूसिव डिवोशन एंड एक्सक्लूसिव डिवोशन। मतलब कुछ लोग बोल सकते हैं भक्ति का मतलब क्या है कि मंदिर में आओ, सत्संग करो, जप करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, सेवा करो, ये भक्ति है।
हाँ जरूर ये भक्ति है, पर भक्ति केवल ये ही नहीं है। हमारे अगर हम किसी परिवार में हैं तो हमारा परिवार का जो कर्तव्य है, हम किसी नौकरी में हैं वहाँ पर जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, वह सब भी हम भक्ति भाव में कर सकते हैं। तो क्या है भक्ति, ये एक तरह से डिवोशन इज़ नॉट जस्ट एन एक्शन, डिवोशन इज एन इंटेंशन दैट परमिएट्स ऑल एक्शंस। भक्ति जो है ये एक भाव है जो अब हमारे सब कार्यों में आना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूर हमें समय चाहिए। अगर कोई कहता है कि मैं सिर्फ मेरे कर्तव्य करूँगा और मैं भक्ति करने मंदिर में आने के लिए जप करने के लिए मैं नहीं करना चाहता, ज़रूर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जप करने की ज़रूरत क्या है, ये तो भगवान का नाम तो हमेशा हृदय में चलते रहता है। ठीक है, अगर भगवान का नाम हृदय हमेशा चलते रहता है तो एक पल भी जीवा पे क्यों नहीं आता है? अगर कोई कहते हैं कि क्या है, वो कहते हैं कि अरे आपको इतने बार जप करने की क्या जरूरत है, एक बार आप नाम ले लो भाव से आप भक्ति में अग्रसर हो जाओगे। सही है, पर वो भाव का ही तो अभाव है। तो क्या है कि हमें कर्तव्य भी करने हैं और भक्ति भी करनी है। अगर सिर्फ कम हमारे कर्तव्य करते रहेंगे तो क्या है कि वो हम एक दिव्य चेतना में, भगवत चेतना में नहीं करेंगे। कर्तव्य महत्वपूर्ण है और कर्तव्य न करना ये गैर जिम्मेदारी है। तो कैसे है, तीन चीज़ें कह सकते हैं हम, बीइंग इररिस्पॉन्सिबल, बीइंग मटीरियल रिस्पॉन्सिबल एंड बीइंग स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबल। कि गैर जिम्मेदारी है, फिर भौतिक जिम्मेदारी है, फिर आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। तो भौतिक जिम्मेदारियाँ पूरा करना यह महत्वपूर्ण है, पर भौतिक जिम्मेदारियाँ पूरा करना यह अपने आप से आध्यात्म नहीं है। ये अपने आप से हम जरूर ऐसे नहीं कि मोक्ष की ओर ले जाएगा, धीरे धीरे उसकी ओर अग्रसर हो सकता है पर वो ज़रूरी नहीं है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भौतिक जिम्मेदारियाँ हैं, कोई माता है अपने माता पिता है अपने बच्चों का पालन देखभाल करते हैं पालन करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। प्रभुपाद कहते हैं दिस इज़ नेचुरल एंड नेसेसरी बट इट इज़ नॉट स्पिरिचुअल। ये स्वाभाविक नैसर्गिक है और ये ज़रूरी है, पर ये अपने आप आध्यात्मिक नहीं है। अगर कोई कुत्ता अपने छोटे कुत्ते के पिल्लों को पालन करता है या कोई बंदर है अपने छोटे पिल्लों को पालन करते हैं तो वो भी बड़े ध्यानपूर्वक संरक्षण करते हैं, पर उसमें आध्यात्म कुछ नहीं है। क्या कोई बंदर अपने बंदरों के पिल्लों को अच्छी तरह से पालन करके वो कर्तव्य पूरा करके बंदर मोक्ष प्राप्त करने वाला है? नहीं, क्योंकि बंदर में कुछ आध्यात्मिक चेतना नहीं है। मोक्ष प्राप्त करना का मतलब क्या है कि हमें आध्यात्मिक चेतना इतनी जागृत हो जाती है कि हमें भौतिक आसक्तियाँ नहीं रहती हैं। जब हम इस भौतिक जगत से बढ़कर कुछ चाहते हैं तभी हम इस भौतिक जगत के परे जाएंगे। पर अगर हम हमारी सारी इच्छाएँ हमारी सारी चेतना भौतिक जगत में ही, हाँ मुझे एक जिम्मेदारी ये कर्तव्य करना है वो कर्तव्य करना है वो कर्तव्य करना है, अगर वही हम सोच रहे हैं तो फिर हम मोक्ष कैसे प्राप्त करें, क्योंकि हमारी सारी इच्छाएं जो है वो यहीं पर रह रही है। क्या है कि मोक्ष ये केवल एक जगह नहीं है, वो एक चेतना सबसे पहले है। अगर हमें आध्यात्म भगवान इनसे आकर्षण नहीं है तो भले ही हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, भले ही कोई भगवत धाम चले भी जाएगा मान लीजिए, तो वहाँ वो चले भी गया मोक्ष प्राप्त करके और फिर वहाँ पर पूछेगा अरे आज क्रिकेट मैच का स्कोर क्या है? क्योंकि आसक्ति यहाँ पे रह गई है। तो क्या है कि हमें आसक्ति से मुक्ति प्राप्त करनी है। तो इसलिए क्या है कि हम जब भक्ति करते हैं तो एक्सक्लूसिव डिवोशन मतलब हम कुछ समय निकाल के मंदिर में आके सीधा भगवान पे केंद्र करते हैं, और वह करने से क्या होता है हमारा भगवान से संबंध जुड़ता है, हमारी आध्यात्मिक चेतना विकसित होती है, हमें सेवा भाव जागृत होता है, और फिर वो सेवा भाव के साथ हम जब हमारे कर्तव्य करते हैं तो वो कर्तव्य हम केवल भौतिक चेतना में नहीं करेंगे। मतलब ये मेरा बच्चा है इसलिए मैं इसका देखभाल कर रहा हूँ, ये मेरा परिवार है इसलिए मैं इसका देखभाल कर रहा हूँ, नहीं, ये सब जो परिवार वाले हैं मेरे बच्चे हैं ये मेरे माता पिता है ये सब कौन है, ये भगवान के अंश हैं और भगवान की योजना के द्वारा ये मेरे जीवन में है, तो मैं न केवल उनकी सेवा कर रहा हूँ
इनकी देखभाल कर रहा हूँ, पर मैं इसके द्वारा इनके द्वारा भगवान की भी सेवा कर रहा हूँ। तो जब ये हमारी चेतना में रहेगा तभी वो जो है कर्तव्य हमें आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में ले जाएगा। अगर वो चेतना नहीं है हमारी तो कर्तव्य करेंगे हम अच्छा है, पर उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ऐसे नहीं है कि ये भक्ति है और ये कर्तव्य है, ये भक्ति है और जो कर्तव्य कर रहे हैं वो भी भक्ति भाव से ही हमें करना है। और जब इस तरह से हम करते हैं तो वास्तव में जब हम भक्ति भाव होता है तो कर्तव्य भी हम वास्तव में और जिम्मेदार पद्धति कर सकते हैं। क्यों, क्या होता है कि जब हम भक्ति करते हैं तो हम में थोड़ी अनासक्ति आती है, और जब हम बहुत आसक्त होते हैं तो हम हमारी जिम्मेदारियाँ भी अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि उस व्यक्ति पे हम बहुत केंद्रित हो जाते हैं। जैसे धृतराष्ट्र, क्योंकि वो आसक्त था दुर्योधन से, इसलिए दुर्योधन का कोई कल्याण नहीं कर पाया। तो जो जब हम भक्ति करके थोड़े अनासक्त होते हैं, तो अनासक्त का मतलब ऐसे नहीं है, अनासक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम गैर जिम्मेदार होना। डिटैचमेंट इज नॉट इररिस्पॉन्सिबिलिटी, डिटैचमेंट इज लैक ऑफ इमोशनल डिपेंडेंस ऑन द अदर पर्सन। कि जब हम अनासक्त होते हैं मतलब क्या है, हम भावनात्मक स्तर पे दूसरे पर निर्भर नहीं है, और उसी समय में वास्तव में हम हमारी जिम्मेदारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जब हम दूसरे पर बहुत भावनात्मक रूप से जिम्मेदार रहते हैं तो फिर अरे इसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे क्यों किया, उसने ऐसे क्यों किया, उसमें ही सारी हमारी भावनाएँ चेतना चली जाती है और हम कुछ स्थिरता से कार्य नहीं कर पाते। पर थोड़ी अनासक्ति होती है तो हम जिम्मेदारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इसलिए ये ऐसे नहीं है कि कर्तव्य और भक्ति अलग अलग हैं। भक्ति के कुछ कार्य हैं और भक्ति के कार्य के द्वारा भक्ति की चेतना है, और वो हमारे कर्तव्य में भी आती है, और हम कर्तव्य भी जिम्मेदारी से और कर सकते हैं भक्ति के द्वारा। और कभी कभी ऐसे हो सकता है परिस्थिति में कि हमारा कर्तव्य हमें ये करने को बोल रहा है और भक्ति में हमें ये करना है, हमें घर में कुछ काम ये है, हमको मंदिर में भी कार्य करना है, तो ये करें या वो करें। तो कोई विद्यार्थी है, उसका एक परीक्षा है, परीक्षा के लिए पढ़ाई करें या भी मंदिर में सत्संग कार्य करें उसके लिए आए, तो अभी क्या है, ये एक व्यवहारिक चीज़ है। मान लीजिए अगर हम ट्रैफिक में चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो अगर रास्ता क्लियर होगा तो हम फास्ट जाएंगे, अगर रास्ते में बहुत ट्रैफिक होगा तो हम धीरे धीरे जाएंगे। पर दोनों धीरे जा रहे हैं या फास्ट जा रहे हैं, हम उसी दिशा में जा रहे हैं। तो उसी तरह से कभी कभी ऐसे हो सकता है कि हमारे भौतिक जीवन में ट्रैफिक बढ़ जाता है, तो कभी घर में ये जिम्मेदारी आ गई, ये व्यक्ति बीमार हो गया है, ये प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा काम आ गया है, या ये कुछ एक हो गया है, तो उस समय हम थोड़ा धीरे धीरे जा सकते हैं, पर बाद में जब वो समस्या ख़त्म हो जाएगी तो वापस हम फास्ट जाएंगे। तो प्रभुपाद जी जब इलाहाबाद में थे, वहाँ पे उनका वो प्रभुपाद जी का फार्मेसी का दुकान था, और वहाँ पे बाजू में डॉक्टर थे, डॉक्टर दवाई प्रिस्क्राइब करते थे और प्रभुपाद जी वो दवाई देते थे लोगों को, डिस्पेंस करते थे। तो तभी वो जो डॉक्टर थे उनके साथ, तो उनका इंटरव्यू है प्रभुपाद जी के लीलामृत में, तो वो तभी बताते हैं कि ये स्पष्ट था कि अभय बाबू, वो तभी उनका नाम था अभय बाबू, तो अभय बाबू बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, पर उस समय उनके मन में एक ही सवाल प्रधान था कि मैं और पैसे कैसे कमा सकता हूँ। तो उस समय उनको उनके परिवार की बहुत जिम्मेदारियाँ थी, तो प्रभुपाद जी वो सोच रहे थे, तो उनका तभी उसके लिए जो भी ज़रूरी थी वो कर रहे थे। उनका घर कलकत्ता में था पर वो प्रयाग में रह रहे थे, कलकत्ता में उनके सारे गुरु भाई थे पर वो वहाँ पर रह के वहाँ पर से काम कर रहे थे। तो वैसे ही कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि कोई भौतिक कर्तव्य इतना हमें इतना अर्जेंट हो जाता है वो, कि उसके लिए ज़्यादा समय देना पड़ता है, और तभी हमें देना चाहिए। तो तभी शायद कुछ बहुत जिम्मेदारी आ गई तो हम कुछ भक्ति के बाह्य रूप से जो कार्य है वो उतने नहीं कर पाएंगे, दैट्स ओके। पर टेस्ट क्या है कि अगर ट्रैफिक क्लियर हो गया उसके बाद भी हम धीरे धीरे जा रहे हैं मतलब क्या है, हमको जाने की इच्छा ही नहीं है वहाँ पे ऐसे। तो क्या है कि अगर कोई कहता है कि मेरे जीवन में हमेशा इमरजेंसी है, तो मतलब वास्तव में वो उनके जीवन में इमरजेंसी नहीं है, वो दिमाग में इमरजेंसी है, वो उनके प्रायोरिटीज़ ठीक नहीं है। तो हमको हमारे प्रायोरिटीज़ जो है क्लियरली रखने चाहिए, इमरजेंसी कभी कभी आ जाते हैं
और तभी हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं. तो कृष्णा इज नॉट अ डिमांडिंग गॉड, ही इज अ अंडरस्टैंडिंग गॉड. तो ऐसे नहीं कृष्ण भगवान हमेशा मांग करते तो ये करना है, ये करना है, ये करना है. नहीं, हम सबके अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं. तो कुछ परिस्थिति में अगर कुछ का जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं तो वो ज़रूर हम तभी कर सकते हैं. तो कभी कभी कर्तव्य और भक्ति में थोड़ा ऐसे संघर्ष हो सकता है और तभी हमें व्यवहारिक रूप से जरूर ये कर सकते हैं. पर अगर हम तत्वज्ञान के स्तर पर समझ जाएंगे कि भक्ति वास्तव में ये एक भावना है जो मैं भक्ति के कार्यक्रम से जागरूक कर सकता हूँ, उसके बाद में उस भावना के साथ मैं सारे कर्तव्य भी अच्छी तरह से कर सकता हूँ, तो फिर हम देखेंगे वास्तव में उनमें द्वंद्व नहीं है, वास्तव में दोनों बहुत साथ में अच्छी तरह से चल सकते हैं. ओके, थैंक यू. स्टॉप. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा. श्रीमद् भगवद गीता की जय. प्रभुपाद की जय. गौर भक्तवृंद की जय. गौर प्रेमानंद श्रीमान चैतन्य चरण प्रभु की जय.